तो इस वीडियो में बच्चे हम एनिमल किंगडम का रैपिड रिवीजन करने वाले हैं, ठीक है। सुनियो, एक सबसे बड़ी याद रखना वाली बात कि एनिमल किंगडम बेटा हम पहले पढ़ के आ चुके हैं, फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन के अंदर मल्टी सेल्युलर होती है और ये बेटा हेटरोट्रॉप्स होते हैं मेजॉरिटी में। हेटरोट्रॉप्स मतलब जो अपना खाना खुद नहीं बनाते, दूसरों से लेते हैं, मतलब प्रोड्यूसर्स से लेते हैं। मल्टी सेलुलर मतलब जिसके अंदर ऑर्गेनाइजेशन लेवल मल्टी सेल्स लेवल होता है, सेलुलर लेवल से चालू होता है और ऑर्गन तक जाता है बेटा। 11 फाइलम्स हैं, फाइलम्स का यूज़ होता है किंगडम के बाद, फाइलम का यूज़ होता है, डिवीज़न बोलते हैं बेटा इसको हम प्लांट के केस में। तो डिवीज़न हम पढ़ के हैं अभी प्लांट किंगडम के अंदर, ठीक। अब यहाँ पर 11 जो फाइलम्स हैं वो क्या है बेटा, पॉलीफेरा, सिलेंट्रेटा, टीनोफोरा, प्लैटीहेलमिंथीस, एस्केहेलमिंथीस, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा और कॉर्डेट्स। बेटा यही सिक्वेंस हमेशा याद रखना, इस सिक्वेंस से याद रखोगे तो याद रखने में आसानी होगी, क्योंकि हमें हर फाइलम के एग्जाम्पल्स भी याद करने होते हैं और हर फाइलम के अंदर ये भी देखना होता है कि इनका बॉडी ऑर्गेनाइजेशन लेवल क्या है, ये फूड किस तरीके से खाते हैं, इनका हैबिटेट किस प्रकार का होता है, ठीक। तो बेटा याद रखना पॉरीफेरा मोस्ट प्रिमिटिव है, मतलब शुरुआत आपको दिखाई दे रही है पॉरीफेरा से है और लास्ट में क्या है कॉर्डेट, वो सबसे ज़्यादा एडवांस है। तो कॉर्डेट्स कौन हो गए, हम ह्यूमंस हो गए, ठीक है। तो मोस्ट प्रिमिटिव और ये मोस्ट एडवांस और बीच में, इन सब के बारे में हमको बेटा जानना है। तो सबसे पहली चीज़ आती है कैटेगरी में जो जानने में आनी चाहिए, वो है बॉडी लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, सेलुलर, इसमें सिर्फ सेल लेवल हो तो मैंने आपको पॉलीफेरा के बारे में पहले बता दिया, मतलब फर्स्ट सबसे प्रीमेटिव मतलब सबसे पहले आते हैं पॉलीफेरा। तो इसका एग्जांपल हो गया सेलुलर, उसके बाद आता है टिश्यू, टिश्यू के बाद बनता है ऑर्गन, ऑर्गन से बनता है ऑर्गन सिस्टम। तो पहला वाला हो गया पॉलीफेरा, सिंगल एग्जांपल बेटा टिश्यू लेवल में आ गया। नेक्स्ट टू कौन कौन से, नीचे देखो, सिलेंट्रेट्स एंड टीनोफोरा। सिलेंट्रेट एंड टीनोफोरा किस में आ गए बेटा, टिश्यू लेवल में, बाकी सारे रेस्ट नीचे जितने भी हैं वो सारे बेटा ऑर्गन सिस्टम लेवल पे आते हैं। अब आप बोलोगे कि भैया इसके अंदर तो लिखा है प्लैटीहेलमिंथीस ऑर्गन लेवल पे है, ऑर्गन सिस्टम में ऑल, तो बेटा याद रखना प्लैटीहेलमिंथीस एक ऐसा एक्सेप्शन है जो कि ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन लेवल सिस्टम भी दिखाता है, ऑर्गन सिस्टम भी दिखाता है। तो अगर आप इसको प्लैटीहेलमिंथीस को अगर एक ही सिस्टम के अंदर लिख दोगे ऑर्गन या ऑर्गन सिस्टम में, तभी वो गलत नहीं होगा, अगर आप नीट के प्रोस्पेक्टिव से देखना चाहते हो तो। नेक्स्ट चीज़ है बेटा बॉडी सिमेट्री। बॉडी सिमेट्री का मतलब होता है कि बॉडी को अगर काटा जाए तो अगर वो दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाता है किसी एक प्लेन से, तो उसको बोलते हैं रेडियल सिमेट्री की एक, ठीक है। मतलब सिमेट्री का मतलब है कि कट जाए, सिमेट्रिकल हो दोनों तरफ। जैसे इंसान है, इंसान को आप जिस सर से लेकर पैर तक मतलब बीचों बीच काट दो तो एक हाथ इधर एक पैर इधर, एक हाथ इधर एक पैर इधर हो जाएगा, मतलब वो बिल्कुल सिमेट्री में कट सकता है। तो ए सिमेट्री क्या हो गया बेटा, ए सिमेट्री जिसको किसी भी सिमेट्री में काटो, जैसे अमीबा होता है हमारा, ठीक, या हमारा स्पॉन्ज है बेटा, उसका कोई शेप नहीं है निश्चित, कोई डेफिनेट शेप ही नहीं है। तो उसको आप बीच में से काटोगे कभी डेफिनेट बेटा शेप घटेगा ही नहीं, कभी डेफिनेट रेशियो आएगा ही नहीं इक्वलिटी में। तो एसिमेट्रिक, और एसिमेट्रिक क्या होगा हमारे बेटा पॉरीफेरा, फर्स्ट वाला एग्जांपल इधर देखो कितना आसान हो गया, फर्स्ट पॉरीफेरा, क्योंकि सेलुलर लेवल प्रिमिटिव है, सेलुलर लेवल का बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है, तो उसको काटोगे कोई सिमेट्री बनती नहीं। रेडियल सिमेट्री का मतलब हो गया जब बेटा बीच में से काटो दो हिस्से में बट जाए। तो वही सिलेंट्रेट, टीनोफोरा, ये देख रहे हो दोनों के दोनों एग्जांपल फर्स्ट एंड टू। अब बाकी देखो बायलेटरल, सारे के सारे बायलेटरल्स हैं बेटा। मैंने इसके लिए एक ट्रिक वाली वीडियो भी बना रखी है, अगर आपको ट्रिक से याद करना है तो आप वाली वीडियो भी इसके बाद देखें। लेकिन मेरा इस बात को माने कि सबसे पहले हमको पूरा पढ़ना चाहिए, जब हम सारी चीज़ों को जान जाए फिर हमें ट्रिक पे जाना चाहिए। अगला है बेटा सर्कुलर लेवल। सर्कुलर लेवल का मतलब होता है खून किस तरीके से फ्लो करता है बॉडी में, एक होता है बेटा क्लोज सिस्टम और एक होता है ओपन सिस्टम। क्लोज सिस्टम का मतलब होता है कि खून नसों में बहे, वीन्स के अंदर बहे, और बेटा ओपन सर्कुलेशन का मतलब होता है कि हार्ट के बाद जो बेटा सर्कुलेशन हो रहा है बॉडी में ओपन हो रहा है, कोई नसें हैं ही नहीं, वीन्स वगैरह है ही नहीं, ठीक। तो क्लोज सर्कुलेशन सिस्टम दिखाता है एनेलिड एंड कॉर्डेट्स, क्या एनेलिड्स एंड कुछ कॉर्डेट, सब मोलस्क का भी बेटा ये दिखाते हैं। क्लोज सर्कुलेशन मतलब खुद समझ रहे हो ना बेटा, हमारे अंदर नसें आपको दिखाई दे रही ना, लड़के काट लेते हैं नसें, अब ये नसें दिखती हैं हमारे अंदर है, बाकी जिसमें ये नसें ना हो ओपन सर्कुलेशन हो तो वो होता है बेटा हमारा ओपन सर्कुलेशन। हम एक को याद कर लें बाकी सारे हमारे क्लोज सर्कुलेशन में है। तो ओपन सर्कुलेशन खुला हुआ क्या है, खुला हुआ सिस्टम किसका है, हेमा का, किसका हेमा मालिनी। तो ही से क्या हो गया, एस से हो गया हेमिकोडेट, ई से हो गया काइनोडर्मेट, एम से हो गया मोलस्का और ए से हो गया आर्थ्रोपोड। यहाँ पे लिखा है मोस्टली का मतलब ज़्यादातर तो होते हैं, लेकिन कुछ एक्सेप्शन भी आपको मिलेगा। पॉरीफेरा से एस्केहेलमिंथीस तक नो सर्कुलेटरी सिस्टम, ये है बेटा इंपॉर्टेंट। सबसे बड़ी बात क्या है कि यहाँ पर देखो पॉरीफेरा से लेकर एस्केहेलमिंथीस मतलब एक से लेकर पांच तक कोई सर्कुलेटरी सिस्टम है ही नहीं, कोई सर्कुलेटरी सिस्टम है ही नहीं, मतलब किस तरीके का सिस्टम नहीं है, नो सर्कुलेटरी सिस्टम, ना ओपन और ना क्लोज बेटा, शुरू ही एनेलिड से होता है, किससे
एनिलिडा से, शुरुआत ही एनिलिडा से होती है, याद रखना, जहां से शुरुआत हो मान लो कि इसके पहले कुछ था ही नहीं और उसके बाद ही होगा जो भी होगा, ये थी शुरुआत। अगली चीज देखो बेटा, जर्मिनल लेयर। जर्मिनल लेयर का मतलब होता है बेटा जब बर्थ के टाइम पे या बर्थ से पहले जब बेटा कोई ऑर्गेनिज्म या जैसे हम इंसान की बात कर लें, जब वो बेटा माँ के गर्भ के अंदर होता है, जब वो डेवलप कर रहा होता है या अंडे के अंदर डेवलप कर रहा होता है, तो तीन जर्म लेयर्स होती हैं। जर्म लेयर से क्या होता है, वो जर्म लेयर बेटा आगे जाके और चीज़ों के अंदर डेवलप होती है, जैसे हार्ट बनता है, हमारा ब्रेन बनता है, हमारे हैंड बनते हैं, हाथ बनता है, पैर बनते हैं, आंखें बनती हैं, दिल बनता है, ये सारी चीज़ें, ठीक। तो एम्ब्रियनिक स्टेज पे पाई जाने वाली जो सेल्स होती है, जर्म लेयर, उनको हम ब्लास्टोमर्स भी बोलते हैं। क्या ब्लास्टोमर सेल से बनती है? तीन तरह के लेयर होती है बेटा, एक्टोडर्म, एंडोडर्म और उन दोनों के बीच में मीजोडर्म, ठीक। इसका मतलब एक्टोडर्म होती है सबसे बाहर वाली, एंडोडर्म होती है सबसे अंदर वाली। एक याद कर लो, दूसरी याद रहेगी, ठीक है। एंडोडर्म बेटा सबसे अंदर वाली, तो बेटा जिसके अंदर दो जर्म लेयर प्रेजेंट होगी वो डिप्लोब्लास्टिक, जिसके अंदर तीन होगी वो ट्रिप्लोब्लास्टिक। डिप्लोब्लास्टिक के अंदर आता है बेटा पॉरीफेरा, सिलेंट्रेटा, टीनोफोरा, ऊपर के टॉप तीन वही बेटा प्रिमिटिव वाले, शुरुआती वाले में सिर्फ दो, और बाकी हमारे प्लैटी हेलमेंथी से लेकर कॉर्डेट, मतलब टॉप थ्री के बाद जितने हैं वो सारे ट्रिप्लोब्लास्टिक, तीन लेयर वाले। आसान है बेटा याद करना। सिलोम का मतलब क्या होता है बेटा? सिलोम का मतलब होता है बॉडी के अंदर एक खाली स्पेस होता है। क्या होता है? खाली स्पेस होता है। तो जिसके जिस ऑर्गेनिज्म के अंदर वो खाली स्पेस होगा वो सिलोमेट, और जिसमें नहीं होगा वो एसिलोमेट, और बीच में एक कैटेगरी आती है सीरो सिलोमेट, मतलब जिसके अंदर सिलोम तो हो, खाली जगह तो हो, लेकिन उसके अंदर बेटा लाइनिंग ना हो, लेयर्स की लाइनिंग ना हो। तो बेटा इसके अंदर वो कौन सी लेयर होती है? वो अंदर लेयर होती है बेटा मीजोडर्म। क्या होती है? मीजोडर्म। अब कोई बोले सिलोमेट है तो याद रखना अंदर कैविटी तो होगी, जगह तो होगी, साथ में मीजोडर्म भी प्रेजेंट होगी। जहां पर खाली सिलोम हो, मीजोडर्म ना हो, समझ लो वो बेटा झूठी सिलोम है, स्यूडो सिलोम है। स्यूडो का मतलब था झूठा, गलत, नकली। सिलोमेट मतलब ए सिलोमेट, जिसके अंदर सिलोम ही नहीं है। तो बेटा देखो प्लैटी हेलमेंथीज के अंदर, प्लैटी हेलमेंथीज, क्या प्लैटी हेलमेंथीज से बात करते हैं, कैविटी नहीं है, मीजोडर्म नहीं। अब कैविटी नहीं होगी तो मीजोडर्म की तो बात ही छोड़ दो। सीडोसिलोम कौन होंगे? जिनके अंदर कैविटी तो हो लेकिन बेटा मीजोडर्म ना हो, मतलब नकली, ठीक। ये हमारे एस्केल हेलमेंथीज। और सिलोमेट का मतलब क्या है? जिसके अंदर सिलोम भी हो, मीजोडर्म भी हो, वो बेटा एनेलिडा से लेके कोर्डेटा तक सबके अंदर यही बात है, सब सेम एनेलिडा से होगा और कोर्डेटा तक जाएगा। अगला देखो, बॉडी प्लान मतलब डाइजेस्टिव सिस्टम कैसा होगा। किसी का तो बेटा सेल एग्रीगेट प्लान होगा, किसी का ब्लाइंड सैक होगा, किसी का ट्यूब विद इन ट्यूब होगा। सेल एग्रीगेट का मतलब होता है जिसका डाइजेशन खाली सेल के अंदर हो जाए। अब जिसके अंदर खुद ही बॉडी सेल की बनी हुई है, सिर्फ सेलुलर लेवल पे है, तो वो तो पॉरीफेरा ही है ना, तो वो क्या डाइजेशन सिस्टम कैसा है बेटा? पॉरीफेरा, ठीक है। हेयर द सेल ऑफ बॉडी डाइजेस्ट द फूड, सेल ही बेटा डाइजेशन कर लेती है, ठीक है। अब इसको क्या बोलते हैं? इंट्रा सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, मतलब सेल के विदिन, सेल के अंदर ही जिसके अंदर डाइजेशन हो जाए तो उसको इंट्रासेलुलराइजेशन भी कहते हैं। ब्लाइंड सैक का मतलब हो गया एक ट्यूब तो है, खाने के लिए एक ट्यूब तो है, मतलब क्या है कि वहां पर सेल से इंडिपेंडेंसी डिपेंडेंसी खत्म हो गई है। अब वो बात तो हो गई, डाइजेशन सिस्टम तो दिखाई दे रहा है लेकिन है इनकम्प्लीट, मतलब फूड कैनाल है लेकिन नीचे से क्लोज है, एनस प्रेजेंट नहीं है, मुंह से ही खाते हैं और बेटा मुंह से ही वो इजेक्शन करते हैं, ठीक है। तो इनकम्प्लीट डाइजेशन है। जैसे एग्जांपल सिलेंट्रेट्स, टीनोफोरा और प्लैटी हेलमिंथीस, बेटा इसके अंदर क्या है? यही सिस्टम है। किसके अंदर बेटा? टीनोफोरा और प्लैटी हेलमेंथीस, बेटा दोनों एक साथ आते हैं। अगला क्या है? कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम, मतलब फूड पाइप पूरे की पूरी तरीके से बना हुआ है। तो बेटा एस्केल हेलमेंथीस में सबसे पहले आया था और वहां से लेके नीचे कोर्डेट तक सबके अंदर यह कंप्लीट ट्यूब, ट्यूब विद इन ट्यूब सिस्टम है, ठीक। अगला टाइप ऑफ डाइजेशन, डाइजेशन कैसा भी है? इंट्रासेलुलर, मैंने खुद बता दिया ऊपर, इसका सेल में हो। एक्स्ट्रा सेलुलर का मतलब इसका सेल से बाहर हो, मतलब डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के अंदर हो, और बोथ मतलब जिसके अंदर इंट्रासेलुलर और एक्स्ट्रा सेलुलर दोनों ही प्रेजेंट हो। तो इंट्रासेलुलर तो पोरीफेरा ही एग्जांपल होगा सेलुलर स्ट्रक्चर्स के अंदर, या एक्स्ट्रा सेलुलर का मतलब हो गया कि भैया डाइजेशन क्या है हमारा? प्रेजेंट है सेल से बाहर, क्या सेल से बाहर। तो प्लैटी हेलमेंथीस से कोऑर्डिनेट, प्लैटी हेलमेंथीस से चालू होगा, कोऑर्डिनेट तक सबके अंदर एक्स्ट्रा सेलुलर होगा। लेकिन ऐसे ऑर्गेनिज्म जिसके अंदर ये दोनों हो, क्या हो? इंट्रा भी हो और एक्स्ट्रा भी हो, है सिलेंट्रेट से लेके टीनोफोरा, सिलेंट्रेट एंड टीनोफोरा, ये दो बेटा क्या है? एक्सेप्शनल केस है। अगला देखो बेटा सेगमेंटेशन क्या है। बेटा सेगमेंटेशन क्या होता है? बॉडी के अंदर एक स्ट्रक्चर बना होता है, जैसे कीड़े आपने देखे होंगे तो कीड़ों की बॉडी में बेटा इस तरह की लाइनें दिखाई देती हैं, इस तरह की धारियां दिखाई देती है, उसको सेगमेंटेशन बोलते हैं। अगर अब किस किस के अंदर बेटा ये सेगमेंटेशन दिखाई देती है, तो एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, कोर्डेट, सिर्फ बेटा ये तीन है जिनके अंदर इस तरह के आपको स्ट्रक्चर्स दिखाई देंगे, याद रखना एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा और कोर्डेट, ठीक। अगला देखो कोर्डेट में भी सारे कोर्डेट नहीं है, कुछ ही है, एग्जाम्पल आएंगे आगे बेटा। अब देखते हैं नोटोकोड क्या है।
तो बेटा नोटोकोड क्या होती है, नोटोकोड एक ऐसी स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है किसी बॉडी के बैक में जो कि बेटा पूरी बॉडी को क्या करती है तो कंट्रोल करने में मदद करती है, माइंड से जोड़ के रखने, मतलब आपके न्यूरॉन्स को कनेक्ट करने कुछ का एक मेन रास्ता वही है, ऊपर से बॉडी को सपोर्ट भी देती है। ठीक है, ये कहां पर मिलेगा नोटोकोड बेटा, जिसके अंदर नोटोकोड होगी वही होगा कोऑर्डिनेट, जिसके अंदर नोटोकोड होगी वही होगा कोऑर्डिनेट, मतलब कोऑर्डिनेटा। अब बेटा सेक्सुअल कंडीशन देखो, तो एक होता है बाइसेक्सुअल, एक होता है यूनिसेक्सुअल। बाइसेक्सुअल मतलब जिसके अंदर मेल और फीमेल दोनों प्रेजेंट हो, और यूनिसेक्सुअल का मतलब होता है बेटा या तो वो मेल हो या खाली फीमेल हो। ठीक है, ऐसे अब बाइसेक्सुअल कौन होंगे बेटा, बाइसेक्सुअल का एक और बायोलॉजिकल नेम है, उसको मोनोशियस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मोनोशियस। मोनो मतलब एक के अंदर ही दोनों हो, क्या मोनो मतलब एक के अंदर ही दोनों हो, तो बाइसेक्सुअल। और यूनिसेक्सुअल में क्या हो गया बेटा, डायसियस। क्या? डायसियस, डाय मतलब दोनों अलग अलग हो, दो मतलब दो, दोनों अलग अलग हो, ये याद करने का तरीका है। तो बेटा पॉरीफेरा से लेके कहां तक, सीलेंट्रेट, टीनोफोरा, प्लैटिहेल्मिंथीस, एलेनिडा और यूरोकोर्डेटा। अब ये यूरोकोर्डेटा कहां से आ गया, तो बेटा ये फाइलम कोर्डेट के अंदर ही एक और सब क्लास है, फाइलम के बाद बेटा क्या है, क्लास है, तो क्लास है यूरोकोर्डेटा। अच्छा यूनिसेक्सुअल कौन होंगे बेटा, तो इसके इसके एग्जांपल के बच्चे जितने हैं वो सारे के सारे क्या है बेटा, वो सारे के सारे हमारे रिमेनिंग है। अगला देखो बेटा डेवलपमेंट कैसा होगा। ठीक है बेटा, अब डेवलपमेंट देखो, डेवलपमेंट एक होता है बेटा डायरेक्ट और एक होता है इनडायरेक्ट। तो डायरेक्ट डेवलपमेंट का मतलब हो जैसे ही ऑर्गेनिज्म पैदा हो, जैसे इंसान है बेटा ह्यूमन की तरह पैदा होता है और ह्यूमन की तरह ही बड़ा होता है। लेकिन बेटा इनडायरेक्ट डेवलपमेंट का मतलब है जिसमें एक एक्स्ट्रा स्टेज हो या दो एक्स्ट्रा स्टेज हो, मतलब जैसे आपको पता है बेटा कि लार्वा स्टेज बनती है, क्या बनती है, मेंढक में एक लार्वा स्टेज बनती है, लार्वा के बाद बेटा फिर वो एक बड़ा मेंढक बनता है। तो और ऐसे और भी कई जीव जंतु है जो बेटा लार्वल स्टेज दिखाते हैं, तो जिसमें बेटा डायरेक्ट डेवलपमेंट कैसे डायरेक्ट नहीं हो रहा ना, वो अपना रूप बदल बन रहा है ना, मेटामॉर्फोसिस दिखा रहा है, मतलब अपना रूप बदल रहा है, उसके बाद अपना एडल्ट में जा रहा है, तो उसको बोलते हैं बेटा इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। डायरेक्ट डेवलपमेंट क्या होता है बेटा, वो सीधा जैसा पैदा हो वैसा ही बड़ा हो जाए, समझ गए। तो जिसके अंदर लार्वा स्टेज है वो इनडायरेक्ट, और जिसमें नहीं है वो बेटा डायरेक्ट डेवलपमेंट हो गया। अब बेटा सबसे पहला हमारा आता है, हमारा फाइलम आता है पॉरीफेरा, जिसको हम स्पॉन्ज कहते हैं। जैसे आप याद कर लेते हो स्पॉन्ज, स्पॉन्ज पॉरी का मतलब होता है पोर्स, मतलब छेद, जिसके अंदर बेटा छेद हो वही पॉरीफेरा है, वही स्पंज है। ठीक, याद रखना मल्टी सेलुलर तो होना ही होना है, मल्टी सेलुलर है, प्रीमिटिव का मतलब सबसे पुराना है एनिमल किंगडम के अंदर। बेटा पोर्स क्या होते हैं, पोर्स दो तरह के होते हैं, एक बेटा छोटा छेद होता है और बेटा बड़े छेद होते हैं। कुल मिला के कितने छेद होते हैं, तो भैया छोटे तो बहुत सारे छेद हो सकते हैं, लेकिन बड़ा सिर्फ एक ही छेद होता है। छोटे छेद को हम कहते हैं ओस्टिया और बड़े छेदों को हम कहते हैं ऑस्क्यूलम। क्या कहते हैं बेटा? ऑस्क्यूलम कहते हैं। छोटे छेद के अंदर से पानी जाता है, उस पानी के जरिए बेटा ऑक्सीजन जाती है, उस पानी के जरिए बेटा फूड अंदर जाता है, और वही बेटा जो पानी है वो बेटा ऑस्क्यूलम बड़े बड़े वाले छेद से बाहर निकल जाता है। उसके साथ वो क्या लेके जाता है? गंदगी लेके जाता है, इनडाइजेस्ट फूड लेके जाता है, और बेटा सफाई करता है इस पूरे के पूरे स्पॉन्ज की, इस पूरे के पूरे बेटा पॉरीफेरा की। इस सिस्टम को बोलते हैं बेटा वाटर कैनाल सिस्टम। क्या बोलते हैं बेटा? वाटर कैनाल सिस्टम। ये बेटा पूछा भी जाता है नीट के अंदर। अच्छा अब बेटा एक चीज याद रखना, इस ऑस्कुलम के ऊपर, इस बड़े छेद के ऊपर बेटा मायोसिस नाम की एक सेल लगी होती है। क्या? मायोसिस नाम की एक सेल लगी होती है जो कि इस पोर को खोलना और बंद करने का बेटा क्या करती है? कंट्रोल करती है। तो है नहीं कि जो मर्जी पानी बाहर निकालना है, बस बेटा इस बात को याद रखना। इसके अंदर बेटा क्या होता है? कैविटी होती है, बॉडी में छेद होती है, मतलब अंदर जगह होती है, कैविटी होती है, तो उसको हम बोलते हैं पुंची सील। सील का मतलब बेटा सीलोम है, सीलोम का मतलब क्या है? कैविटी। स्पॉन्जी सीलोम मतलब स्पॉन्ज की सीलोम, स्पॉन्ज का छेद। अगला देखो बेटा, इसके अंदर बेटा देखो टू टाइप ऑफ लेयर इन प्रेजेंट इन द कैविटी, आउटर लेयर एंड इनर लेयर। अब बेटा इसके अंदर मैंने बताया तो दो तरह की कैविटी होती है, वो दो तरह की लेयर्स होती हैं। वैसे लेयर बेटा होती है तीन तरीके की, लेकिन इसके अंदर कितनी है? टू जर्म लेयर प्रेजेंट है। आपको खुद पता है कि हमने शुरुआत के अंदर देखा था टू जर्म लेयर किसमें, टॉप थ्री के अंदर सिर्फ टू जर्म लेयर होती है। तो पॉरीफेरा बेटा इसके अंदर सबसे पहला एग्जाम्पल है। तो इसकी सबसे बाहर की लेयर, सबसे आउटर लेयर क्या कहलाती है? पिनेकोडर्म। क्या कहलाती है बेटा? पिनेकोडर्म। उसकी सबसे अंदर की लेयर को क्या कहते हैं? कोनियोडर्म। क्या बोलते हैं बेटा? कोनियोडर्म, या हाँ कोनियोडर्म भी बोलते हैं बेटा, बस इतना याद रखना। ठीक है, इसका डाइजेशन कैसा है? इंट्रा सेलुलर। में सेलुलर लेवल ऑर्गेनाइजेशन है तो बेटा इंट्रा सेलुलर होगा, सेल्स के अंदर ही होगा, है ना। कहाँ होता है? किन सेल के अंदर? जिन सेल में होता है उनको बोलते हैं कीनोसाइट। क्या बोलते हैं बेटा? कीनोसाइट। ठीक है, अगला एक बार। एंडोस्केलेटन कैसा होता है? हाँ बेटा प्रेजेंट होता है। एंडोस्केलेटन मतलब अंदर जो उसको सपोर्ट दे वो प्रेजेंट होता है। किसका बना होता है? स्पॉन्जिन फाइबर। कितना आसान है, स्पॉन्ज का, स्पॉन्जिन फाइबर से बना होता है, या उसको हम स्पाइक्यूल्स भी कह देते हैं। अगला इसका एग्जाम्पल है बेटा ऐसे स्पॉन्ज, ऐसे साइकोन, ऐसे यू स्पॉन्जिया, स्पॉन्जिला। वेरी इजी। ठीक है,
ये साइकोन जो होता है ना, इसको बेटा साइफा भी बोल देते हैं। अगला देखो, यूज स्पॉन्जिया को बात स्पॉन्ज भी बोल देते हैं। और स्पॉन्जिला बेटा, स्पॉन्जिला इसलिए इंपॉर्टेंट है नीट की दृष्टि से, क्योंकि बेटा ये दोनों के दोनों तो आपको मैराइन वाटर में मिलेंगे, ये आपको मिलेगा फ्रेश वाटर में, ओनली दिस। अगला है बेटा फाइलम सीलेंट्रेट, फाइलम सीलेंट्रेट बेटा इसको हम नाइडेरिया भी कहते हैं। क्या? फाइलम नाइडेरिया भी कहते हैं। नाइडेरिया का मतलब क्या होता है बेटा? नाइडेरिया प्रेजेंट, और नाइडेरिया का मतलब होता है बेटा डंक। क्या होता है डंक? एक ऐसा डंक जिससे कि अपने आप को खाने वाले को ही अपने आप से दूर रखते हैं बेटा। इसका सबसे मेन एग्जाम्पल है हाइड्रा। ये कहाँ मिलेंगे बेटा? ज़्यादातर मेनाइन वाटर के अंदर मिलेंगे। दो तरह का बेटा इनका क्या होता है? दो तरह का इसके अंदर स्टिंग सेल प्रेजेंट है, मैंने आपको बताया ना, डंक मारते हैं। डंक क्यों मारते हैं? अपने आपको बचाने के लिए, मजे के लिए नहीं बेटा। इसकी दो तरह की फॉर्म होती है, एक होती है पॉलिप मतलब ऊपर की तरफ मुंह खुला हुआ होता है, और एक होती है मेड्यूसा मतलब एम की तरह नीचे की तरफ मुंह खुला होता है। तो बेटा ये आपको खुद हाइड्रा की तरह नजर आ रहा होगा, बहुत आसान हो गया, ठीक है। याद रखना बेटा इस तरह के लेयर को, इस तरह के जो पॉलिप स्ट्रक्चर है, ये हमारा हाइड्रा मतलब हाइड्रा का एग्जाम्पल क्या है? हाइड्रा का एग्जाम्पल यही है। इसको हम क्या बोलते हैं? सी एनीमोन भी बोलते हैं, या एडम्शिया इसका एग्जाम्पल है, एडम्शिया, ठीक। इसका क्या है बेटा? ये अम्ब्रेला जैसी शेप है। अब इसके बाद याद रखना ये फ्री लिविंग है, मतलब ये मूव कर सकता है, पर हमारा हाइड्रा मूव नहीं कर सकता, वो एक जगह पे ही अटैच रहता है, मूव नहीं कर सकता। अगली बात याद, मतलब मोटाइल है, मोटाइल का मतलब मूव करना होता है। ये क्या है? सेसाइल। मोटाइल का क्या होता है? अपोजिट, सेसाइल, जो हिल ना सके, एक जगह पे फिक्स हो, ठीक है बेटा। एक चीज का एग्जांपल क्या है? इसका एग्जांपल है ओरेला। क्या है ओरेला? मतलब जेलीफिश। और आपको पता होगा जेलीफिश देखने में बहुत अच्छी लगती है, उसके आर पार भी देखा जा सकता है, लेकिन बेटा वो ऐसा डंक मारती है कि बंदे को कोमा में पहुंचा देती है। तो डिस्कवरी वगैरह में आपने देखा होगा कि जेलीफिश देखने में जितनी सुंदर, उतनी ही ज्यादा क्या होती है? खतरनाक होती है। और कई तरह के बेटा मानसिक एक्सपेरिमेंट्स के अंदर काम आती है, ये आपसे पूछा नहीं जाएगा, बस एक्स्ट्रा में, ठीक है बेटा। हाँ, एक चीज और, इसका बेटा एक्सोस्केलेटन जो होता है, मतलब बाहर से जो इसकी रक्षा करता है, वो किसका बना होता है? कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3 का बना होता है। केमिकल फॉर्मूला इंपॉर्टेंट नहीं, कैल्शियम कार्बोनेट याद रखना, इसलिए CaCO3 लिख दिया था कि याद रखें। अगला देखो बेटा एक चीज, ओबिलिया एंड ये साइलिया, ओबिलिया एंड साइफिया, ये क्या है? डाइमॉर्फिक एंड मेटाजेनिक। इसका मतलब क्या है बेटा? ये दोनों के दोनों अपने ना स्ट्रक्चर के अंदर चेंज दिखाते हैं। क्या दिखाते हैं? स्ट्रक्चर के अंदर चेंज दिखाते हैं, मतलब क्या सच चेंज दिखाते हैं? ये पॉलिप भी हो जाते हैं और ये मेड्यूसा भी हो जाते हैं। कौन? ओबेलिया और फाइसेलिया। अब जो फाइसेलिया जो है ना, इसका एक नाम हो रहा है पोर्तुगीज मैन ऑफ वॉर, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, नीट की दृष्टि से पूछ लेते हैं फाइसेलिया क्या है, या पोर्तुगीज मैन ऑफ वॉर क्या है, या किस फाइलम में आता है, ठीक है। अब बेटा ये पॉलिप भी होते हैं और मेड्यूसा भी होते हैं। क्या मतलब? ये क्या दिखाते हैं? मेटाजेनेसिस दिखाते हैं। मेटाजेनेसिस का मतलब होता है अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन का मतलब होता है कि बेटा अल्टरनेट तरीके से ये अपनी जनरेशन के अंदर, अपनी शेप्स के अंदर चेंज करते रहते हैं। शुरुआत होती है पॉलिप से, बड़े होकर मेड्यूसा हो जाते हैं, फिर बेटा पॉलिप हो जाते हैं, फिर मेड्यूसा, और ऐसे बेटा चलता रहता है। इसके एग्जाम्पल सबसे पहला हाइड्रा, उसके बाद ओबेलिया, ओबेलिया मैंने आपको बता दिया, फिर बेटा साइलिया बता दिया, पोर्तुगीज मैन ऑफ वॉर, उसके बाद एडम्शिया हम पीछे पढ़ के आए हैं ना, ठीक है बेटा। ये कुछ बेटा इसके एग्जाम्पल क्या है, बड़े ही इंपॉर्टेंट है। एक्सोस्केलेटन किसका होता है? मैंने आपको बता दिया CaCO3 का होता है। अगला है बेटा टीनोफोरा फाइलम, टीनोफोरा फाइलम। टीनोफोरा के अंदर एक बात याद रखना कि टीनोफोरा को हम बेटा नाइडेरिया भी कह देते हैं, नाइडेरिया। और इसका क्या मतलब है बेटा? याद रखना टीनोफोरा फाइलम में किंगडम एनिमिलिया के अंदर सबसे सुंदर ऑर्गेनिज्म यही होते हैं। क्यों? क्योंकि बेटा ये बायोलुमिनिसेंट होते हैं। इसका मतलब ये बेटा अंधेरे के अंदर चमकते हैं, जैसे जुगनू चमकता है ना, उसी तरीके से ये चमकते हैं। इसका बेटा सबसे मेन एग्जाम्पल कॉम्ब जेली है। कॉम्ब जेली क्यों है बेटा? इसकी वजह से है। ये एक स्ट्रक्चर बेटा आपको अपने उसके अंदर दिखाई देगा, एनसीईआरटी बुक के अंदर, जिसके अंदर एक ग्रीन कलर का, ब्लू कलर का, ग्रीन कलर का बेटा स्ट्रक्चर है, तरबूज जैसा दिखाई देता है। इसके दो टेंटिकल्स हैं बेटा। टेंटिकल्स का यूज सिर्फ खाने को पकड़ के, खाने के अंदर यूज होता है, फूड पार्टिकल्स को पकड़ने में, चलने में नहीं। तो बेटा ये जो हरे हरे स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे हैं ना, यहाँ पे छोटी छोटी सीलियां हैं। क्या है? छोटी छोटी सीलिया। और सीलिया का काम क्या होता है बेटा? चलने का काम होता है, चलाने का काम होता है। आपको पता है सीलिया पैरामीशियम का एग्जांपल आपको याद आता होगा, जलेली मूवमेंट में काम आता है। सीलिया, फ्लैजिला बेटा ये सारी चीजें मूवमेंट में काम आती हैं। तो इन लंबी लंबी धारियों पे छोटी छोटी सीलिया के प्रेजेंट होने से बेटा ये कंगे जैसी दिखाई देती है, कॉम्ब जैसी दिखाई देती है। और जेली ऐसा इसका स्ट्रक्चर है, तो क्या बोलेंगे? कॉम्ब जेली, या इसे सी वॉलनट भी बोल देते हैं। वॉलनट जैसा इसका वो स्ट्रक्चर है ना, और मैंने तुमको खुद ही बता दिया था बेटा कैसा होता है, कैसा होता है बायोलुमिनेशन होता है। अगला देखो रिप्रोडक्शन कैसा है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। इसका क्या है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। डेवलपमेंट क्या? इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट का मतलब लार्वा स्टेज प्रेजेंट है, और इसकी लार्वा स्टेज क्या कहलाती है बेटा? सीडीपीडी लार्वा, या सीडीपीड लार्वा, सीडीपीड लार्वा। एग्जांपल बेटा याद करने में क्या है? आसान है बेटा। इसका एग्जांपल क्या हो गया? प्लोरोब्रांकिया, सी गोजबेरी, या टीनोप्लाना। टीनोप्लाना, टीनोफोरा से टीनोप्लाना और प्लोरोब्रांकिया, ये बेटा प्लोरोब्रांकिया का ही एग्जांपल है। प्लोरो मतलब एक से ज्यादा ब्रांचेस का होना। अगला देखो बेटा,
ये हो गया फाइलम प्लैटी हेलमेंथीस। क्या? प्लैटी हेलमेंथीस बेटा, प्लैटी का मतलब होता है फ्लैट, क्या होता है फ्लैट, चिपटा, क्या चपटा, और हेलमेंथीस का मतलब होता है कीड़ा, क्या होता है बेटा कीड़ा, तो फ्लैट कीड़ा मतलब फ्लैट वर्म, याद करना आसान हो गया। ठीक है बेटा, फ्लैट वर्म क्या होते हैं, हमेशा बेटा आपको एंडो पैरासाइट मिलेगा, एंडो मतलब होस्ट के अंदर। अब ये करते क्या है, हुक्स एंड सकर्स की मदद से क्या करते हैं बेटा, जो अंदर बेटा अंदर जो भी पैरासाइट होगा, याद रखना खून नहीं चूसता, खून सिर्फ बाहर से चूसा जा सकता है, अंदर से खून नहीं चूसा जा सकता। तो अंदर से क्या चूसते हैं ये, तो बेटा हुक एंड सकर्स की मदद से ये अटैच हो जाते हैं और ये एब्जॉर्ब करते हैं न्यूट्रिएंट्स, मतलब आप जो खाना पचाते हो उस पचे हुए खाने का जो ग्लूकोज आप न्यूट्रिएंट्स निकाल रहे हो, सीधा ये बेटा उसको ही एब्जॉर्ब कर लेते हैं। इसलिए बच्चे के पेट में जब कीड़े होते हैं तो बच्चा बहुत कुछ खाने के बाद भी पनप नहीं पाता बेटा। इसका एग्जाम्पल है टीनिया, टेप वॉर्म, चपटा कीड़ा, एकदम टेप जैसे दिखाई देता है आपके बेटा, एनसीईआरटी में एग्जांपल भी है। अच्छा ये करते क्या, ये ऑस्मो रेगुलेशन मतलब एक्सक्रीशन करते हैं, ऑस्मो रेगुलेशन और एक्सक्रीशन बेटा दोनों का मतलब एक ही होता है, नेफ्रॉन वाले चैप्टर में इसको ब्रीफ से पढ़ेंगे। तो बेटा यहाँ पर क्या होता है, फ्लेम सेल से होता है, किससे होता है, फ्लेम सेल, वेरी इंपॉर्टेंट, या वेरी इंपॉर्टेंट नीट की दृष्टि से पूछते हैं बेटा ऑस्मो रेगुलेशन के लिए कौन सी सेल, फ्लेम सेल, या फ्लेम सेल कहाँ प्रेजेंट है ये भी। ठीक है, न्यूरल सिस्टम क्या होता है, हाँ होता है, कैसा होता है, सीढ़ी जैसा, लैडर लाइक, कैसा, सीढ़ी जैसा। एग्जांपल क्या है इसका, प्लेन एरिया, क्या बेटा, प्लेन एरिया, प्लेन एरिया बेटा बहुत इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि रीजनरेशन करता है बहुत बढ़िया तरीके से, टुकड़े हो जाते हैं, हर टुकड़ा बेटा नया प्लेन एरिया बन जाता है, फ्री लिविंग है, प्लेन एरिया घूमता रहता है। फैसियोला, ये फ्लूक बेटा, लीवर फ्लूक भी बोलते हैं इसको, है ना, ये भी एंडोपैरासाइट है। और टीनिया, टेप वर्म के बारे में तो हम सुन ही सकते हैं, ये भी एंडोपैरासाइट है। अगला देखो बेटा, फाइलम एस्केल हेलमेंथीस, बेटा एस्केल का मतलब होता है गोल, एस्केल का मतलब होता है गोल, और हेलमेंथीस का मतलब होता है कीड़ा, समझ गए, तो गोल कीड़ा, क्या गोल, इसको बेटा नेमेटोड, या अब खुद समझ लो, जब इसका बेटा क्रॉस सेक्शन करते हैं तो गोल दिखाई देता है, ये कीड़ा कैसे दिखाई देता है, गोल, तो इसको राउंड वॉर्म कह देते हैं, यहाँ नाम से पता चल गया, राउंड वॉर्म, एस्केल का मतलब गोल और हेलमेंथीस का मतलब कीड़ा, तो गोल कीड़ा जैसे वो था चपटा कीड़ा। ठीक है, ये भी कैसे होते हैं, ये भी एंडोपैरासाइट ही मिलेगा, कैसा, एंडोपैरासाइट, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ एनिमल्स में मिलेगा, या प्लांट और एनिमल दोनों के अंदर मिलेगा। ठीक, ये फ्री लिविंग होते हैं तो पानी में मिलेंगे, और बेटा ये टेरेस्ट्रियल में बेटा बाहर जमीन पे भी आपको मिल सकते हैं, मतलब प्लांट्स वगैरह में मिलते हैं, बाहर में मिलते हैं, डाइजेशन इनका कंप्लीट है, क्या है, डाइजेशन कंप्लीट है, है ना। अब ये कैसे हैं, इनके सबसे इंपॉर्टेंट फीचर क्या है, कि इनका फेरिंग मल्टी सेलुलर है, मतलब फेरिंग गले के अंदर होता है ना, फेरिंग जो सटकने में काम आता है, मल्टी सेलुलर है फेरिंग, ये नीट में बहुत बार पूछा हुआ है, इसलिए फिर से इंपॉर्टेंट है। पहली बार कंप्लीट डाइजेशन बेटा इसी के अंदर आया था, मतलब कंप्लीट डाइजेशन का मतलब क्या, ट्यूब कंप्लीट है, नीचे है ना सुपर माउथ है। ठीक है, एक्सक्रीशन कैसे करते हैं, एक्सक्रीशन ट्यूब है इनके पास, इसके दिया रेनेट सेल से बेटा, इसके अंदर एक मेन आसान तरीका है इसको पहचानने का, नीट में पूछा भी था एक बार, कि फीमेल बेटा लंबी होती है और मेल होता है छोटा, जैसे राजपाल यादव के साथ कोई उसकी पत्नी लंबी। ठीक है, एग्जांपल क्या है इसका, वूचीरिया, क्या, वूचीरिया बैनक्रॉफ्टी फिलेरियल वर्म, एस्केरियसिस राउंड वर्म, मतलब वो राउंड वर्म का मतलब वो ये दांत खाज खुजली। ठीक है, एनसाइलो स्टोमा हो ना, हुक वर्म, जिसकी बेटा नीचे क्या हुक की तरफ ये हो टेल समझ लो, और ये क्या होते हैं बेटा सारे एंडोपैरासाइट। अच्छा अब बेटा एक्सोपैरासाइट की बात कर ले, तो ये आ गया एनेलिडा, क्या एनेलिडा, एनेलिडा ए से क्या हो गया, अपरिचित, अपरिचित जो बेटा छोड़ देते ना कीड़े, कौन से कीड़े छोड़ता है, जोंक छोड़ देता अपने पिक्चर में, और जोंक क्या करते हैं खून चूस लेते हैं, इसका मतलब ये है एक्टोपैराडाइस के, एक्टोपैराडाइस में पैरासाइट। ठीक, अच्छा सबसे पहले बेटा सर्कुलेटरी सिस्टम इन्हीं के अंदर मिला था, कैसा, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम सबसे पहले इन्हीं के अंदर मिला था, जैसे बेटा यहाँ पर क्या मिला था, अभी देखो इंपॉर्टेंट बात क्या बताई थी मैंने, पहली बार कंप्लीट डाइजेशन कहाँ मिला, यहाँ देखो एस्केल हेलमेंथीस मतलब गोल कीड़ों के अंदर, राउंड वॉर्म्स के अंदर सबसे पहले कंप्लीट डाइजेशन मिला, और बेटा क्या क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम सबसे पहले एनेलिडा के अंदर मिला है। ठीक है बेटा, अच्छा ये चीज याद रखो, ये पानी के अंदर मिलते हैं, अब एक्वेटिक का मतलब जहाँ एक्वेटिक लिखा हो समझ लो फ्रेश भी होगा, मैराइन भी होगा, टेरेस्ट्रियल भी मिलते हैं, फ्री लिविंग भी होंगे और पैरासाइट भी होंगे। पैरासाइट का रूप देखो तो लीच, जोंक, ये बेटा एक्टोपैरासाइट है, और क्या करता है खून चूसता है, क्या चूसता है खून चूसता है बेटा। रेस्पिरेशन कैसे करते हैं, सांस कैसे लेते हैं, मॉइस्ट स्किन से, अपनी स्किन से सांस लेते हैं। सर्कुलेशन सिस्टम तो क्लोज होगा, पहली बार इन्हीं के अंदर आया था। एक्सक्रीशन कैसे करते हैं, नेफ्रिडिया सेल का यूज करते हैं, किसका बेटा नेफ्रिडिया का यूज करते हैं। लोकोमोशन कैसे करते हैं, लॉन्गिट्यूडिनल और सर्कुलर मसल्स होती हैं, ये गोल गोल स्ट्रक्चर है, यही बेटा हिल के बेटा इनको आगे मूव करता है, ऐसे कोई पैर नजर नहीं आते बेटा। इसका एग्जांपल क्या, सबसे पहला नरेश या नरिस, मैं नरेश के नाम से करता हूँ याद होता है, नरिश बेटा मेराइन है, क्या है मेराइन है ना। हाँ बेटा क्या चलता है, पैरापोडिया की मदद से वो करता है, तैरता है। अगला बेटा क्या है, फेरोटीमा, क्या फेरोटीमा सबसे इंपॉर्टेंट है, ये है अर्थवर्म, अर्थवर्म बेटा क्या होता है, फार्मर का क्या होता है, फ्रेंड होता है। फिर है हिरुडिनिया, क्या हिरुडिनेरिया, हिरुडिनेरिया तो बेटा वही है हमारा जोंक,
ब्लड सकिंग, याद रखना ठीक है। और ये कैसे होते हैं दोनों भाई, बाइसेक्सुअल होते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है इनके अंदर। अच्छा बेटा अगला क्या है, फाइलम आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा के बारे में याद रखना है बेटा, ये सबसे बड़ी फाइलम है। क्यों? इसके अंदर सबसे ज्यादा स्पीसीज पाई जाती हैं, ठीक है। और इसके अंदर भी कौन सी ऐसी क्लास है जो सबसे बड़ी है, वो है इंसेक्टा। इंसेक्ट इस दुनिया में सबसे ज्यादा है। ये कैसे होते हैं भैया, आर्थ, इसका नाम कैसे पड़ा था? आर्थ का मतलब, आर्थो का मतलब होता है जोड़ बेटा, घुटने। आर्थ रोड देखा डॉक्टर ऑर्थो वगैरह कुछ लिखा होता है तो आर्थो में जोड़ वोड़ दिखाई देते हैं, एंटी वड्डी। तो कैसे होते हैं बेटा, आर्थो पोडा का मतलब होता है पैर, मतलब जोड़ वाले पैर, पैर नजर आएंगे। कवर्ड बाई चिटिन, चिटिन से बना होता है जिनका एंड स्केलेटन। क्यों? एक्सोस्केलेटन, एक्सो मतलब बाहर। क्यों? ताकि इनकी बॉडी को प्रोटेक्शन दे सके बेटा। तीन तीन पार्ट में डिवाइड होती है बॉडी, हेड थोरैक्स और एब्डोमेन, सर धड़ और पेट, सर धड़ और पेट, ठीक है। रेस्पिरेशन कैसे करता है? अगर बेटा कीड़ा है, क्या है? कीड़ा है तो ट्रैकिया का इस्तेमाल करेगा। क्या? ट्रैकियल सिस्टम। अगर क्या है, स्कॉर्पियन है, क्या है? स्कॉर्पियन है मतलब पिच्छू है, तो बुक लंग होंगे। इंपॉर्टेंट है बेटा, याद रखना, ये ऐसी बोलने वाली बात नहीं है। पूछ लेते हैं स्कॉर्पियन में क्या बुक लंग, या बुक लंग का है स्कॉर्पियो में। प्रॉन होगा, प्रॉन देखा ना बेटा, खा जाते हैं उसको समुद्र के आसपास रहने वाले लोग, वो उसके अंदर क्या होते हैं, गिल्स होते हैं। और बुक गिल्स किस में होंगे, ऐसे बुक लंग्स है तो ऐसे बुक लंग्स किस में होंगे, तो बेटा क्रैब में तो क्या है हमारा, या स्कॉर्पियन में क्या है, क्रैब बोल रहा हूँ, स्कॉर्पियन में क्या है, बुक लंग, तो बेटा किंग क्रैब के अंदर होता है बुक गिल्स। ये इंपॉर्टेंट। अगला देखो, सर्कुलेटरी सिस्टम कैसा होगा भैया, ओपन सिस्टम है, नस वस कुछ नहीं है। एक्सक्रीशन कैसे करती है, तो मालफिजन ट्यूब्यूल होगी अगर कीड़ा होगा तो, ग्रीन ग्लैंड होगी अगर प्रॉन होगा तो, कॉक्सल ग्लैंड होगी अगर स्कॉर्पियन होगा तो। इंपॉर्टेंट बात है। अब तो बेटा आप मालफिजन ट्यूब्यूल का अच्छा खासा स्ट्रक्चर पढ़ते, लेकिन आपके कोर्स में से अब क्या चला गया है बेटा, वो कॉकरोच चला गया, नहीं तो कॉकरोच में पढ़ना पड़ता। अगला देखो, सेंसरी ऑर्गन। सेंसरी ऑर्गन का मतलब होता है एंटीना, जो इनके बेटा सर के ऊपर एंटीना लगा होता है ना, आपके ऊपर वो करता है सेंस करता है, एनवायरमेंट को सेंस करने का काम करता है। इनके पास क्या होती है बेटा, आंखें होती हैं। क्या? आंखें होती हैं। दुनिया में सबसे पहले आंखें बेटा यहीं आई थी, आर्थ्रोपॉड्स के पास ही, ठीक है। अगला, स्टेटोसिस्ट मतलब एक ऐसी सेल होती है जो कि बैलेंसिंग में काम आती है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, स्टेटोसिस याद रखना, स्टेशनरी, स्टेशनरी मतलब जो कि बैलेंस बनाने में काम आए। एग्जाम्पल देखो, अगर इंसेक्ट होगा तो बेटा कई एग्जाम्पल इसका, इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट इंसेक्ट जिनसे पैसे कमा सके, एपिस इंडिका, हनीबी, बॉम्बिक्स, सिल्क वॉर्म, और आ गया लेसीफर मतलब ब्लैक इंसेक्ट। अब वेक्टर्स मतलब जो बीमारी फैलाए, बीमारी फैलाने वाले हैं, हमारा ये रहा ना, एनोफिलीज मलेरिया के लिए, क्यूलेक्स, एलिफेंटियासिस मतलब जिसमें पैर बहुत बड़ा हो जाता है, किसी भी अंग पे काट ले तो अंग बहुत बड़ा हो जाता है, ठीक है। एडीज, एडीज मतलब तुम्हें बताइए डेंगू या चिकनगुनिया फैलाने वाला। अगला है बेटा लेपिज्मा, क्या? सिल्वर फिश, नाम ही सिल्वर फिश है तो कीड़ा, क्या है बेटा, कीड़ा है। कैसा कीड़ा है? जिसके पंख नहीं है, विदाउट विंग्स, ठीक है। बस बेटा इसी तरह से लिविंग फॉसिल क्या है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, लिविंग फॉसिल, तो लिमुलस मतलब किंग क्रैब को हम लिविंग फॉसिल भी कहते हैं, ये नीट में बहुत बार पूछा गया है, ठीक है बेटा। फाइलम मोलुस्का, फाइलम मोलुस्का जब भी तुम्हारे सामने आए तो याद कर लेना ऑक्टोपस, क्या याद कर लेना बेटा, ऑक्टोपस और स्नेल। स्नेल पता है ना बेटा, जो बहुत धीरे 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 चलता है, पैर नहीं होते, बस ऊपर एक शैल होती है और दो इस तरह के बेटा वो निकले होते हैं उसके एंटीना। देखो बेटा उसके बारे में पढ़ते हैं। फाइलम आर्थ्रोपोड के बाद बेटा सबसे बड़ी फाइलम है मोलुस्का, वो है सेकंड लार्जेस्ट फाइलम। मतलब इनकी बॉडी कैसी होती है, सॉफ्ट बनी होती है, ऊपर बेटा सॉफ्ट बॉडी की कवरिंग के लिए CaCO3 से ढकी एक शैल होती है, कैल्शियम कार्बोनेट की एक शैल होती है। ये बेटा पानी में ही मिलेंगे और जमीन पे भी चलते हुए मिलेंगे, ठीक है। इनकी बॉडी भी तीन जगह बटी होती है, पहला होता है सर, उसका होता है मस्कुलर फुट, और एक होता है विसरल हम्प। हम्प का मतलब होता है इनकी पीठ, ये स्नेल का चित्र बनाया हुआ है मैंने, ये बेटा पीठ, और ये हो गया इसका चलने के लिए पैर, ये हो गया इसका सर। सर पे क्या होंगी बेटा, दो आंखें होंगी, क्या होंगी, दो आंखें होंगी। ये हो रहा मुंह, और मुंह के आगे बेटा मुंह के अंदर क्या होगा, एक रेडियोला नाम का स्ट्रक्चर होगा। दांत तो होते नहीं, ये रेडियोला क्या करता है, फाइल जैसा स्ट्रक्चर होता है, और बेटा खाने को पीस कर अंदर ले आने का काम करता है। ये बेटा दो एंटीना है, तो एंटीना का तो मैं बताया सेंसरी का काम करते हैं, है ना। अब बेटा फुट जो है, ये बेटा इस तरह का बस मांस से सा बना होता है, ये ऐसे ऐसे मूव करता है, और ये धीरे 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 आगे चला जाता है। तो कैसा होता है, मस्कुलर फुट होता है, ऊपर बेटा कैल्शियम कार्बोनेट की कवरिंग है, और बीच में बहुत सारा क्या है बेटा, बहुत सारी बड़ी स्पॉन्जी सी लेयर है, स्पॉन्जी लेयर है सेल्स की, ठीक है। और बीच में एक कैविटी बनी हुई है, एक कैविटी बनी हुई है, इसको मेंटल बोलते हैं। और बेटा इसके बाद एक लास्ट में क्या है, फीदर लाइक गिल्स है, फीदर लाइक गिल्स। गिल्स का काम क्या होता है, सांस लेने में मदद करेंगे, और पीछे की तरफ तो एक्सक्रीशन में ही मदद करेगा। आओ पढ़ते हैं बेटा, ओमेटोफोर, ओमेटोफोर बेटा आईज को ओमेटोफोर भी कहते हैं। अगला रेडुला, फाइल लाइक वही सिस्टम है, रेस्पिरेशन के अंदर काम, वो रेडुला क्या मैंने मुंह के अंदर बताया था, फाइल लाइक स्ट्रक्चर है, किस काम आता है भैया, वही है चीजों को महीन करने में काम आता है, इसे दांत चबाने में काम आते हैं। मोटाइल होता है, चल पड़ता है, क्या होता है, सॉफ्ट और स्पॉन्जी लेयर ऑफ स्किन होती है ना, मेंटल, ये रही है मेंटल जो मैंने आपको बताई थी। अब बेटे बीच में जगह है ना इसके, इसको बोलते हैं मेंटल कैविटी, ये हो गया मेंटल, तो हो गया मेंटल कैविटी। नीचे देखो,
ठीक है। अब यही मेंटल क्या करता है, सीक्रेट करता है CaO3, कैल्शियम कार्बोनेट सीक्रेट करता है, इससे शेल बनता है, ठीक है। ये बेटा याद रखना विसरल हम के ऊपर रिप्रेजेंट होता है। फेदर लाइक गिल्स रेस्पिरेशन के अंदर बेटा काम करते हैं, मैंने तुमको बताया है। अगला देखो, और एक्सक्रीशन के अंदर रेस्पिरेशन दोनों में काम करते हैं। मस्कुलर फूड बेटा लोकोमोशन में काम करता है। इसका एग्जांपल याद रखना, सबसे पहला क्या बताया मैंने, ऑक्टोपस डेविल फिश शैतान की मछली है ना बहुत, फिर लोलीगो स्क्विड हाँ, फिर यह पीला ये ना पाइला बोलते हैं इसको, एप्पल स्नेल वेरी इंपॉर्टेंट, क्या वेरी इंपॉर्टेंट, और एप्लिप्सिया क्या एप्लिसिया, एप्लिसिया का मतलब सी हॉर्स, घोड़े जैसी मछली होती है ना, ठीक है। और एक क्या है डेंटेलियम मतलब टस्क शेल, ये कुछ बेटा इंपॉर्टेंट है हा? क्या है कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल। नेक्स्ट फाइल है हमारी इकाइनोडर्मेटा, क्या बेटा इकाइनोडर्मेटा, इसे याद करने का तरीका याद रखना, एक से क्या हो गया इकाइनोडर्मेटा, एक से हो गया एक मतलब एक तारा गूंजा सा एक तारा, तो बेटा तारा वाली जो मछली होती है ना क्या स्टार फिश, वो बेटा इसी का एग्जाम्पल है। शुरू में बता दिया, अब बेटा एक चीज याद रखना क्या बेटा इकाइनो का असली मीनिंग होता है, इकाइनो का मतलब होता है स्पाइन, जिसकी बेटा शरीर पर कांटे जैसी स्ट्रक्चर्स हो, ठीक है। डर्मेटा मतलब डर्मेटा, डर्मा का मतलब होता है स्किन, ठीक है। अगला देखो स्पाइनी बॉडी एनिमल, जिसकी बेटा एनिमल की बॉडी पे क्या हो स्पाइन्स हो, तो स्टार फिश बेटा अभी आप देखोगे तो देखने में सुंदर लगती है, लेकिन वो धीरे धीरे कांटे कांटे जैसे स्ट्रक्चर्स पर होते हैं बेटा। एक्सक्लूसिवली मैंने एक्सक्लूसिव का मतलब होता है बस मैराइन ही होगी, फ्रेश वाटर बिल्कुल नहीं होगी। यूनिक कैरेक्टर क्या है, वाटर वैस्कुलर सिस्टम है, क्या बेटा वाटर वैस्कुलर सिस्टम है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्या है वाटर वैस्कुलर सिस्टम है। इससे पहले मैंने स्पॉन्ज के अंदर क्या बताया था वाटर कैनाल सिस्टम, तो ये क्या है वाटर वैस्कुलर सिस्टम है। बेटा ये वाटर वैस्कुलर सिस्टम सारे काम करेगा, रेस्पिरेशन का काम भी यही करेगा, लोकोमोशन का काम भी यही करवाएगा, और एक्सक्रीशन का काम भी यही करवाएगा, इसलिए कोई एक्सक्रीटरी सिस्टम इसके अंदर प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। फूड को पकड़ने में, फूड को बेटा कैप्चर कराने में, ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड, सारा काम वाटर वैस्कुलर सिस्टम करेगा। तो धन्य हो वाटर वैस्कुलर सिस्टम, पढ़ाने में इसने हमारी क्या कर दी बेटा थोड़ी सी कमी करवा दी। डाइजेस्टिव सिस्टम क्या कंप्लीट होगा, शुरुआत हो गई बेटा ऊपर से ही, तो माउथ से लेके और बेटा एनस तक कंप्लीट होगा। लेकिन एक बात याद रखना इसके अंदर इंपॉर्टेंट बात क्या है, इंपॉर्टेंट बात यह है कि स्टार फिश का मुंह बेटा हमेशा नीचे की तरफ होता है, तो स्टार फिश जब बेटा जमीन पर पड़ी होती है तो याद रखना अपना मुंह नीचे की तरफ होता है, उसका माउथ क्या होता है नीचे की तरफ, एनस होता है ऊपर की तरफ, माउथ नजर नहीं आता उसका, क्यों बेटा वो नीचे की तरफ लेकर बैठी रहती है, उसको लोअर साइड क्या है लोअर साइड मतलब वेंट्रल साइड, और अपर साइड मतलब डोर्सल साइड उसका एनस होता है। एग्जाम्पल क्या है बेटा, सबसे पहला एस्टेरियास, क्या एस्टेरियास, एस्टेरियास मतलब स्टार फिश सबसे इंपॉर्टेंट। अगला है एंटीडोन सी लिली, क्या है एंटीडोन, और फिर क्या है बेटा ओफ्यूरा, क्या ओफ्यूरा ब्रिटल स्टार, ये ब्रिटल स्टार क्या है स्टार फिश जैसे दिखाई देता है लेकिन कैसे देखा बड़ा पतला, क्या बड़ा पतला स्टार, एनसीईआरटी में देखना बेटा एक सैंपल है, इसके अंदर स्टार तो बना हुआ लेकिन बड़ा सुखड़ा सा, क्या सूखी स्टार फिश। अगला देखो फाइलम हैमी कॉर्डेटा, बेटा हैमी का मतलब होता है आधा, कॉर्डेटा का मतलब होता है इसके अंदर कॉर्डेट पर कॉर्डेटा हो या नोटोकॉर्ड हो, जिसके अंदर बेटा क्या हो हैमी मतलब आधी नोटोकॉर्ड हो, जिसके अंदर क्या हो आधी नोटोकॉर्ड हो, तो ये ऐसे जानवर ना तो कॉर्डेट ही हो पाए और ना ही नॉन कॉर्डेट हो पाए, आधी कॉर्डेट की वजह से दोनों हो गए, तो इनको क्या बोलते हैं बेटा कॉर्डेट और नॉन कॉर्डेट के बीच में एक लिंक के रूप में भी माना जाता है। तो नीट में पूछ लेते हैं कि व्हाट इज द लिंक बिटवीन कॉर्डेट एंड हैमी कॉर्डेट, तो हम बोलेंगे बेटा क्या बोलेंगे हैमी कॉर्डेटा, फाइलम हैमी कॉर्डेटा, याद रखना। ये होते कैसे हैं छोटे बेटा कीड़े ऐसे मैराइन एनिमल्स हैं, कैसे हैं वॉर्म लाइक स्ट्रक्चर, फॉल्स नोटोकॉर्ड, नोटोकॉर्ड कैसे झूठी है क्यों पूरी तो है नहीं और अधूरी भी नहीं मतलब अधूरी है ना, तो क्या बोलेंगे उसको हम बेटा नकली बोलेंगे, उसको बेटा हम क्या बोलते हैं स्ट्रोमो कोड बोलते हैं, क्या बेटा स्ट्रोमो कोड बोलते हैं, फाउंड इन क्या बोलते हैं कोलर रीजन। अब ये कोलर रीजन क्या हुआ बेटा, कोलर रीजन का मतलब होता है पूरी बॉडी होती है वो तीन पार्ट में डिवाइड होती है, सबसे पहले वाले पार्ट को बोलते हैं क्या बोलते हैं बेटा प्रोबोसिस, क्या बोलते हैं प्रोबोसिस, और प्रोबोसिस के नीचे बेटा ये वाला स्ट्रक्चर होता है कॉलर, क्या होता है बेटा कॉलर, और इसको यहां तक है कॉलर स्ट्रक्चर, और नीचे बेटा लॉन्ग ट्रंक, क्या है बेटा लॉन्ग ट्रंक लंबी पूंछ है, ठीक है बेटा। इसके अंदर जो रेस्पिरेशन होता है कैसे होता है ट्रंक के अंदर होता है, क्या होता है बेटा ट्रंक के अंदर होता है, और इसके अंदर एक चीज याद रखना प्रोबोसिस ग्लैंड होती है, प्रोबोसिस एरिया में ही होती है, प्रोबोसिस ग्लैंड होती है, काम किसका आती है एक्सक्रीशन के काम आती है, क्या एक्सक्रीशन के काम आती है। अच्छा अगली चीज देखो, और बेटा इसका एग्जांपल बड़े आसान है, ग्लास पहने हुए चश्मे पहने हुए बेलेनो ग्लासेस और सेको ग्लासेस, ठीक है। अगला देखो बेटा फाइलम कोऑर्डेट, फाइलम कोऑर्डेट का मतलब जिसके अंदर कोऑर्डेट प्रेजेंट हो भी कंप्लीट कोऑर्डेट प्रेजेंट हो बेटा, तीन उसकी सब कैटेगरी, पहला यूरो कोऑर्डेट, अगला सिफेलो कोऑर्डेट, फिर है वर्टिब्रेट, क्या है यूरो कोऑर्डेट सिफेलो कोऑर्डेट और वर्टिब्रेट, इन दोनों को बेटा इन दोनों को यूरो कोऑर्डेट और सिफेलो कोऑर्डेट को हम प्रोटो कोऑर्डेट भी कह देते हैं, ये एक्सक्लूसिवली मैराइन है, मतलब सिर्फ और सिर्फ बेटा कहाँ मिलेंगे सिर्फ और सिर्फ हमें ये समुद्र के अंदर मिलेंगे, ठीक है। यूरो कोऑर्डेट का मतलब क्या है कि भैया नोटोकॉर्ड हो लेकिन सिर्फ लार्वा स्टेज में हो, जब ये बड़े मैच्योर हो जाएं एडल्ट हो जाएं तब बेटा नोटोकॉर्ड ना मिले, क्या हो ना मिले, तो याद रखना बेटा इसके एडल्ट क्या होते हैं लेस डेवलप होते हैं, अभी ये नोटोकॉर्ड ही नहीं है और लार्वा ज्यादा डेवलप होता है। इसका एग्जांपल क्या है
एस्किडिया और सलोवा, ठीक है, ये बेटा इसके कुछ मेन एग्जांपल हैं। अगला है हमारा सिफेलोकोर्डेट, क्या है सिफेलोकोर्डेट, नोटोकोर्ड होती है एक्सटेंडेड फ्रॉम हेड टू टेल, ठीक है, प्रेजेंट थ्रू आउट द लाइफ, पूरी लाइफ सिर्फ नोटोकोर्ड होती है, क्या होती है पूरी लाइफ नोटोकोर्ड होती है, ऐसे नहीं है लार्वा में है और एडल्ट में है, पूरी जिंदगी मिलेगी, लेकिन याद रखना कि वो नोटोकोड की नोटोकोड ही रहेगी, चेंज नहीं होगी। अब बोलोगे भैया चेंज होकर भी कुछ हो जाती है वो, हाँ बेटा वो हो जाती है रीढ़ की हड्डी, तो रीढ़ की हड्डी जो आज तक रीढ़ की हड्डी और नोटोकोड में डिफरेंस होता है, नोटोकोड तो बेटा एक बस स्ट्रक्चर है, लेकिन उस पर जब बोनी स्ट्रक्चर उसको कवर कर ले, क्या बेटा बोनी स्ट्रक्चर उसको कवर कर ले, तो वो रीढ़ की हड्डी हो जाती है, क्या वर्टिब्रेट कॉलम्स के अंदर डिवाइड होकर वर्टिब्रेटा हो जाता है, तो जिसके अंदर ये वर्टिब्रेट कॉलम मिलता है वो हो जाते हैं वर्टिब्रेटा, ये हो गया बेटा थर्ड। तो इंसान किसके अंदर आ गया, ह्यूमन किस में आ गए, वर्टिब्रेट्स के अंदर, क्यों बेटा नोटोकोड रिप्लेस हो जाती है वर्टिब्रेट वर्टिब्रेट कॉलम से, वर्टिब्रेट कॉलम से एक्सटेंडेड फ्रॉम हेड टू नीचे बेटा थाई तक, थाई तक बोल रहा बेटा आपकी बैक के लोअर बैक तक, ठीक है। अच्छा एक नीचे और देखो बेटा, इंसान के अंदर क्या नोटोकोड होती है, हाँ बेटा ह्यूमंस के अंदर नोटोकोड मिलती है, लेकिन सिर्फ एम्ब्रियोनिक स्टेज तक मिलती है, उसके बाद जैसे वो एडल्ट हो जाते हैं तो वो और नोटोकोड से रिप्लेस हो जाती है, ठीक है। अच्छा बेटा, अब वर्टिब्रेट बेटा दो तरह के होते हैं, वर्टिब्रेट भी दो तरह के होते हैं, कैसा, एक होते हैं अगंथा अगनाथा बोलो, एक होते हैं बेटा गिनाथोस्टोमेटा, क्या गिनाथोस्टोमेटा, ये अगनाथा क्या है, गिनाथोस्टोमेटा क्या है बेटा, अगनाथा का मतलब होता है जिन पर जबड़ा नहीं है, और बेटा गिनाथोस्टोमा का मतलब होता है जिनके पास जबड़ा है, जिनके पास जबड़ा नहीं है इसको बेटा साइक्लो या साइलोस्टोमाटा भी बोल देते हैं, ये बेटा इसकी क्लास हो गई। और जिनके पास जबड़े हैं वो बेटा दो नए क्लास के अंदर डिवाइड होते हैं, पहला पिसीज, पिसीज का मतलब जो चलने फिरने के लिए फिन्स का इस्तेमाल करते हैं, मतलब पानी के अंदर फिन्स तो मछलियों के पास होते हैं, मतलब तैरने के काम आएंगे लोकोमोशन में, और टेट्रापोडा जिनके पास लिम्स होते हैं, हाथ होते हैं, पैर होते हैं चलने के लिए। तो बेटा अगला देखो, मछलियां कैसे होती हैं बेटा, मछलियां भी दो तरह की होती हैं, कैसी, एक होती है कोंड्रोथाइस और एक होती है ऑस्ट्रियोथाइस, इसका मतलब कोंड्रियो का मतलब बेटा जो कार्टिलेज की बनी हो, जिसके स्केलेटन किसके बने हो, कार्टिलेज के बने हो, और जिसके बेटा स्ट्रक्चर बोन के बने हो, वो गई हमारी ऑस्ट्रियोथाइस मतलब बोनी फिशेस। अब टेट्रापोडा का जरा एग्जांपल देखो, टेट्रापोडा का मतलब जो अपने हाथ पैरों पे चल सके, उनके पास क्या है बेटा फिन्स नहीं है, नेक्स्ट स्ट्रक्चर्स हैं, जैसे हमारे ये नेक्स्ट क्लास आ गए इसके अंदर एम्फीबियंस रेप्टाइल एव और मैमल्स, इनके बारे में भी थोड़ा आगे पढ़ेंगे हम, ये साइक्लोस्टोमेटा मतलब जोलेस वर्टिब्रेट्स के नाम का भी पढ़ लें। तो बेटा जोलेस वर्टिब्रेट तो मैंने आपको बता ही दिया, ये जिनके पास बेटा जबड़ा नहीं है, तो माउथ कैसा होगा, सकिंग या और सर्कुलर मतलब चूसने के काम ही आएगा, चूस कर ही वो खा पाएंगे, ठीक है, तो बेटा सक करेंगे, सर्कुलर मोशन होगा। बेटा रेस्पिरेशन कैसे करते हैं, तो पानी के अंदर रहने वाले तो बेटा गिल्स से ही करते हैं, लेकिन इनके जो गिल्स होते हैं वो कभी भी कवर नहीं होते, ठीक है। अगला देखो बेटा, क्रेनियम और वर्टिब्रेट कॉलम का मतलब होता है सर की हड्डी या खोपड़ी, वर्टिब्रेट कॉलम तो आपको पता ही है, वो किसका बना होता है, कार्टिलेज का, कार्टिलेज वाली फिश पढ़ रहे हैं ना, साइक्लोस्टोमा पढ़ रहे हैं ना, तो कार्टिलेज की बनी होती है ये भैया, मैराइन होती है, क्या होती है मैराइन होती है, लेकिन याद रखना अंडे देने के लिए बच्चे देने के लिए माइग्रेट करती है फ्रेश वाटर में, फिर जब वो बड़े हो जाते हैं वो भी बेटा दोबारा से कहाँ जाते हैं, मैराइन वाटर में वापस आ जाते हैं, इसको स्पाउनिंग भी बोलते हैं, इस कंडीशन को क्या बोलते हैं, स्पाउनिंग भी बोलते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या भैया, लैम्प्रे और हैगफिश, माइक्सिन और टेरोमाइजोन, ठीक है। अगला देखो बेटा, अब मछलियां दो जगह डिवाइड होती है, मैंने तुमको बताया था कैसी, वही कार्टिलेज वाली और बेटा बोनी फिश वाली, मतलब एक होती है जिसके अंदर हड्डियां हो और एक होती है जिसके अंदर कार्टिलेज हो, तो एक तो ये बेटा याद रखना कार्टिलेज वाली तो आपको सिर्फ समुद्र में मिलेगी, लेकिन जो बोन वाली है बेटा फ्रेश वाटर और मैराइन दोनों के अंदर मिल सकती है, ठीक है। बॉडी स्ट्रीम लाइन है, दोनों की स्ट्रीम लाइन का मतलब होता है कि बेटा जो पानी के अंदर आराम से तैरे, फ्रिक्शन कम से कम हो, ठीक है, याद रखना। इसका फर्टिलाइजेशन कैसा होता है, कार्टिलेज वाली फिश का इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है, और ये बच्चे देते हैं वेजी पैरा से, लेकिन उनका कैसा होता है बेटा, उनके अंदर क्या होता है कि उनके वो बेटा अंडे देते हैं, वो कैसे होता है, ओवी पैरस होते हैं, ठीक है, याद रखना। अब याद रखना बेटा इनके अंदर क्या होता है, परसिस्टेंट नोटोकोड, परसिस्टेंट मतलब पूरी जिंदगी नोटोकोड रहती है, क्या पूरी जिंदगी बेटा क्या रहती है, नोटोकोड रहती है ना। अब यहाँ पर बेटा एक स्ट्रक्चर होता है जो कि कार्टिलेज वालों के पास नहीं होता, बोनी फिशेस पे है, वो है बेटा एयर ब्लैडर। एयर ब्लैडर का काम क्या होता है, ये बेटा बॉडी को बायोंसी देते हैं, इसका मतलब ये लंबे समय तक पानी के अंदर स्थिर बनी रह सकती हैं बिना अपने पंख इस्तेमाल किए, क्या अपने पंख इस्तेमाल किए हुए, है ना, ठीक है। अच्छा अब यहाँ पे रखना, इनका फर्टिलाइजेशन मैंने बता दिया बेटा एक्सटर्नल होता है, और ये ओवीपैरस होते हैं, अंडे देती हैं, हड्डी वाली जो होती हैं, और बेटा स्केलेटन वाली जो हमारी कार्टिलेज वाली होती है वो कैसी होती है, वीवीपैरस होती है, ठीक है। अच्छा बेटा एक चीज याद रखो, हाँ अब ये क्लास्पर एक अंग मिलता है जो कि बेटा कार्टिलेज वाली बोन मछलियों के अंदर पता है, क्लास्पर क्या होता है, ये बेटा मेल कोपुलेटरी ऑर्गन है, जैसे हमारा पेनिस होता है ह्यूमन के अंदर, ठीक है, और ये बेटा मैराइन है। अब इनका ये कुछ एग्जांपल देखो, जैसे हिप्पोकैम्पस सी हॉर्स, ठीक है, एग्जोक्टस मतलब फ्लाइंग फिश।
अब बेटा इसका एग्जाम्पल देखो कुछ, जैसे ग्रेट व्हाइट शार्क, स्टिंग रे, शॉफिश, वेल शार्क, इलेक्ट्रिक रे, डॉग फिश, मतलब अजीब वाले मुंह वाली जो अजीब अजीब तरीके की आपको बड़ी बड़ी मछली मिलेंगी ना, इसका किसी का तलवार जैसा मुंह होगा, किसी का आरी जैसा मुंह होगा, कुछ अजीब सी शार्क जैसी दिखाई देगी, तो वो क्या होती है बेटा, वो हमारी कार्टिलेजियस फिशेज की क्या है, एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है। अच्छा अगला देखो, फ्रेश वाटर। अब बेटा जो मछलियाँ हैं हड्डी वाली, वो तीन तरह की हैं, वो मैराइन भी होंगी, फ्रेश वाटर भी होंगी, एक्वेरियम मतलब घर में रखने वाली भी होंगी। तो याद रखना जो मैराइन वाली होती है वो दो है, हिप्पोकैम्पस मैंने बता दिया, सी होर्स या एग्जोसिस मतलब फ्लाइंग फिश। फ्रेश वाटर वाली बहुत बार नीट में पूछी गई है, पहले क्या है, कटला, रोहू, मागोर। तो कटला और रोहू को तो बेटा रट लो, बिल्कुल कटला और रोहू को तो रट लो। एक्वेरियम का मतलब होता है फाइटिंग फिश, एंजल फिश, ये कहाँ काम आती है बेटा, ये काम आती है हमारे घर के अंदर एक्वेरियम में सजाने के लिए, ठीक है। अच्छा अगला देखो बेटा, क्लास एम्फीबियन। क्या क्लास एम्फीबियन? एम्फीबियन का मतलब ये होता है जो कि बेटा लैंड और वाटर दोनों जगह रह सके। तो इनकी बॉडी कैसी होगी, एक तो हेड होगा और एक ट्रंक होगा, हेड होगा ट्रंक, और ट्रंक के अंदर क्या होंगे बेटा, पेयर ऑफ लेग्स होंगे, है ना। हेड पे क्या होगी बेटा, आंखें होंगी, वो भी दो दो, एक नाक होगी एक आंख होगी, आंख तो बता दी बेटा, ईयर होगा, लेकिन ईयर का क्या होगा, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर नहीं होगा, जैसे हमारे होता है ना कान के बाहर एक कवरिंग होती है और एक छेद होता है, वो सब नहीं दिखाई देता, लेकिन अंदर ईयर ड्रम है मतलब टिम्पेनम मेम्ब्रेन है, ठीक है। अच्छा टेल बेटा, इनमें किसी किसी में पूछ मिलेगी, किसी किसी में पूछ नहीं मिलेगी। इनकी स्किन कैसी होगी, बहुत ही मॉइस्ट होगी, कैसी होगी, बड़ी मॉइस्ट होगी, है ना। ग्लैंडुलर होगी, गोल गोल स्ट्रक्चर्स होंगे, एग्जोस्केलेटन नहीं है अंदर बेटा, बोनी स्ट्रक्चर वैसी प्रेजेंट है, मतलब पूरा का पूरा क्या है इनके अंदर, स्केलेटन सिस्टम है ना। और ये बेटा मेटोक्राइसिस का मतलब, मेटोक्रोसिस का मतलब बड़ा समझ लेना, इंपॉर्टेंट है, इसका मतलब रंग बदलना। ये बेटा अपने एनवायरमेंट के हिसाब से रंग भी बदल सकते हैं, क्यों, ताकि अपने बेटा प्रीडेटर्स से बच सके, बच जाएंगे, छुप जाएंगे। तो अगला क्लोएका प्रेजेंट होता है। क्लोएका मतलब क्या होता है, क्लोएका बेटा जहां भी आ जाए समझ लेना कि एलिमेंट्री कैनाल, यूरिनरी ओपनिंग, रिप्रोडक्टिव डक्ट के लिए बेटा एक ही डक्ट होगी, लास्ट में एक ही ओपनिंग होगी, वो क्लोएका कहलाता है। रेस्पिरेशन कैसा है बेटा, लार्वा के अंदर तो गिल्स का यूज होगा, और जब एडल्ट हो जाएंगे तो ये इस मतलब लार्वा इनका वाटर में रहता है, सीधी सी बात है, क्योंकि ये पानी और टेरेस्ट्रियल दोनों तरह की कंडीशन में जीते हैं, तो लार्वा में गिल्स होंगे, क्योंकि वो लार्वा पानी के अंदर रहता है, वो गला जब बेटा एडल्ट हो जाएंगे बाहर आ जाएंगे, तो बेटा स्किन का यूज करेंगे, बगल कैविटी का यूज करेंगे, और नहीं तो फेफड़ों का भी यूज कर सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट सर्कुलेशन तो होता ही है, वो कैसा होता है भैया, तीन चैम्बर का हार्ट होता है, कैसे, तीन चैम्बर हार्ट। रिप्रोडक्शन कैसा, एक्सटर्नल है, ओविपरस होते हैं, बच्चे देते हैं, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट है, मतलब दो स्टेजेस दिखाई देती है, लार्वा भी है। एग्जाम्पल देखो, टोड, फ्रॉग, ट्री फ्रॉग, सैलामेंडर, छुपकली बेटा, सैलामेंडर के अंदर तो छुपकली भी, और छुपकली में क्या है, पूंछ प्रेजेंट होती है, ये अपनी पूंछ छोड़ भी सकती है खतरा देखकर, आपने कभी देखा हो तो। अच्छा क्लास रेप्टिल, रेप्टिलिया। रेप्टिल का मतलब क्या होता है बेटा, रेप्टम मतलब रेंगने वाले, रेप्टम का मतलब होता है रेंगने वाले, रेप्टिलिया के अंदर जो कि रेंगेंगे, ज्यादातर आपको टेरेस्ट्रियल ही मिलेंगे, ठीक है। अगर बॉडी कैसी होती है, हेड, नेक, ट्रंक, है ना, हेड पे क्या होगी, एक पेयर ऑफ आंखें होगी, नोज होगी, ईयर होगा, लेकिन ईयर के बेटे कोई ओपनिंग दिखाई नहीं देगी, और ना ही ईयर के ऊपर कोई पिन्ना होगा, कवरिंग होगी, अंदर बेटा ईयर ड्रम प्रेजेंट होगा सुनने के लिए, ठीक है, मतलब एक्सटर्नल ओपनिंग नजर आएगी। ट्रंक कैसा होगा, किसी किसी के पास बेटा दो पेयर ऑफ लेग होंगे, किसी पे नहीं भी हो सकते हैं। स्किन कैसी होती है, मॉइस्ट नहीं होती, बड़ी ड्राई स्किन होती, कैसी, रफ होती, कैसी होती बेटा, रफ होती है, कोनीफाइड, कोन्स निकले होते हैं धीरे धीरे काटे, ठीक है। माउट किसके अंदर, मोल्टिंग दिखाई देगी, मोल्टिंग का मतलब होता है बेटा कभी सांप अपनी केचली बदलता है ना, तो केचली बदलने को बेटा स्किन माउंटिंग बोलते हैं, स्नेक में और लिजार्ड मतलब छुपकली के अंदर ये चीजें मिलेंगी, ठीक है। बॉडी कवर्ड बाय एक्सोस्केलेटन, बाहर एक छोटा सा एक्सोस्केलेटन मतलब हल्का एक्सोस्केलेटन भी मिलेगा। एपिडर्मल स्केल, बॉडी प्लेट्स, हॉर्नी बॉडी, ये देख रहे हो ना, सारी चीजें क्या, ये कटीली चीज है, उसकी बॉडी को थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग बनाती है ऊपर से। हार्ट क्या होगा, तीन चैम्बर होगा, क्या होगा, तीन चैम्बर, पूछा जाता है बेटा नीट में बहुत बार। एक एक्सेप्शन है रेप्टाइल में, एक एक्सेप्शन है क्रोकोडाइल। क्रोकोडाइल एक ऐसा रेप्टाइल है जिसका बेटा हार्ट चार चैम्बर का होता है, तो एक्सेप्शन से तो क्वेश्चन बनते ही है। अगली चीज देखो बेटा, पोइक्लियोथर्म। पोइक्लियोथर्म का मतलब क्या होता है, कोल्ड ब्लडेड, जो अपना बेटा बॉडी का टेम्परेचर खुद मेंटेन नहीं कर सकते हैं, तो इसलिए क्या करते हैं, सर्दियों में ये सो जाते हैं, है ना। रिप्रोडक्शन कैसा होता है बेटा, यूनिसेक्सुअल है। यूनिसेक्सुअल का मतलब क्या हुआ भैया, मेल और फीमेल दोनों अलग अलग होते हैं, इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है, और बेटा ये कैसे होते हैं, ओविपैरस होते हैं मोस्टली, डेवलपमेंट का डायरेक्ट ही होता है। देखो अगला देखो, रेप्टाइल्स की बात हो रही है, एग्जाम्पल देखो बेटा, टर्टल, टॉर्टोइज, ट्री लिजार्ड, गार्डन लिजार्ड, क्रोकोडाइल, एलिगेटर, है ना। क्रोकोडाइल और एलिगेटर दोनों अलग होते हैं। पॉइजनस के मतलब स्नेक, तो उसका एग्जाम्पल एक होता है बेटा जिसके अंदर पॉइजन होता है, काट ले तो, और एक में बेटा पॉइजन नहीं होता, तो पॉइजनस कौन से, नाजा, नाजा मतलब कोबरा, सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल। अगला क्या है, क्रेट मतलब बैगरस, फिर है वाइपर, वाइपर तो आपने बहुत बार देखा होगा वाइपर, और बेटा नॉन पॉइजनस के है पाइथन। पाइथन कैसे सांप है जो बेटा जिसमें जहर नहीं होता बेटा। अगली हमारी क्लास है।
क्लास एव्स। एव्स का मतलब होता है बेटा बर्ड्स। बर्ड्स क्या होते हैं, जिनकी बेटा हड्डियाँ कैसी होती है, होलो होती हैं, क्यों होती हैं, और फीदर्स होते हैं। ये इनका यूनिक फीचर है। आपको पंख कहीं और नहीं मिले होंगे अभी तक, जितना ही बड़ा पंख कहाँ मिले बेटा, यहीं बर्ड्स के अंदर मिले। बड़िया होलो, जो हड्डियाँ होती है बेटा होलो होती हैं, क्यों, ताकि इनका वेट कम हो सके, क्योंकि ये बेटा क्या करते हैं, उड़ते हैं, तो कम से कम वेट चाहिए ना, ज़्यादा तो नहीं चाहिए। ये कैसे हैं, याद रखना, होमियोथर्मिक। होमियोथर्मिक का मतलब होता है वार्म ब्लडेड, जिसका मतलब क्या होता है, अपना बॉडी टेम्परेचर मेंटेन कर सकते हैं। फोर लिम्ब क्या होते हैं बेटा, फोर लिम्ब मतलब आगे वाले लिम्स, मतलब हाथ, हाथ किसमें मॉडिफाई हो गए, विंग्स बन गए, पीछे वाले बेटा ऐसे के ऐसे हैं, है ना। अब हिंड लिम्स भी क्या है, इसके अंदर क्या है, एपिडर्मल स्केल्स हैं, मतलब थोड़े कटीले होते हैं, पैर देखने में बड़े खुरदरे वगैरह होते हैं, किस काम आते हैं, वॉकिंग के, स्विमिंग के, और पेड़ों को पकड़ने में, ब्रांच को पकड़ने में, होल्ड करने में, सामान होल्ड करने में, शिकार करने में काम आते हैं। स्किन कैसी होती है, ड्राई होती है बेटा, कोई इसके अंदर ग्लैंड नहीं होती, ग्लैंड होती है सिर्फ टेल के अंदर। डाइजेशन क्या होता है, वही बेटा पूरा का पूरा डाइजेशन, कंप्लीट डाइजेशन है, माउथ भी है, एनस भी है, लेकिन बेटा इनके अंदर दो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, दो ऐसी ग्लैंड मिलती हैं जो कि इंसेक्ट में भी दिखाई देती हैं, गिजार्ड और क्रॉप, ठीक है। रेस्पिरेशन क्या है, लंग्स हैं, फेफड़ों की मदद से सांस लेते हैं। हार्ट कैसे है बेटा, चार चैम्बर का हार्ट है। एक्सोस्केलेटन क्या है, मतलब एंडोस्केलेटन, एक्सो का मतलब होता है जो बाहर से कवरिंग दे, एंडो का मतलब होता है जो अंदर, तो अंदर बेटा स्केलेटन होता है, कैसा होता है, होलो होता है, कैसा, होलो होता है, पान, ताकि बेटा हड्डियां हल्की रहे, ठीक है। तो बेटा ऐसी हड्डियों को क्या बोलते हैं, न्यूमैटिक बोन, क्या बोलते हैं, न्यूमैटिक बोन। तो पूछ लेते हैं न्यूमैटिक बोन कहाँ प्रेजेंट होती है, रिप्रोडक्शन सेक्सुअल है, यूनिसेक्सुअल ये खुद है, मतलब एक ही सेक्स है एक जगह पे, फर्टिलाइजेशन इंटरनल है, ओवी पैरेस, ज्यादातर कहते हैं अंडे देते हैं डायरेक्ट, डेवलपमेंट डायरेक्ट है, कोई लार्वा वार्वा इसके अंदर बनता नहीं है। एग्जाम्पल देखो बेटा, एग्जाम्पल हमारा क्रो, पीजन, पैरट, ऑस्ट्रिच, पीकॉक, पेंगुइन, वर्ड, और ये हमारा वॉल्टर्स। ये हमारा ऑस्ट्रिच इंपॉर्टेंट है, मैंने क्यों लगा रखा है बेटा, ऑस्ट्रिच एक ऐसा पंछी है जो उड़ नहीं सकता, इसका अंडा भी बेटा क्या है, लार्जेस्ट सेल होता है। स्मॉलेस्ट सेल क्या होती है बेटा, याद करो, माइकोप्लाज्मा होती है। क्लास मैमल, बेटा मैमल वो होते हैं जो कि बेटा मिजन के अंदर मैमली ग्लैंड होती है। मैमली ग्लैंड का मतलब होता है बेटा, मैमली ग्लैंड का मतलब होता है जो अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं। डेवलपमेंट कैसा होता है बेटा, डायरेक्ट डेवलपमेंट होता है ये बेटा। इनकी हैबिटेट बहुत वेरी, कहीं भी रह सकते हैं मैमल्स, ज़्यादातर कहीं भी आपको देखने को मिल जाते हैं। मैमली ग्लैंड का यूरिक वो है स्ट्रक्चर है, मेल इसके अंदर मिल्क ग्लैंड प्रेजेंट होती है। डायफ्राम भी बेटा इन्हीं के अंदर मिलना स्टार्ट हो जाता है। ईयर के ऊपर क्या होता है बेटा, ईयर की ओपनिंग के ऊपर पिन्ना दिखाई देता है, मतलब ईयर के ऊपर कवरिंग दिखाई देती है। हमारे भी कान है ना, हेयर दिखाई देंगे, और बेटा इनके अंदर क्या दिखाई देगी, रीढ़ की हड्डी, मतलब वर्टिब्रेट कॉलम और गर्द और खोपड़ी के बीच में सात सर्वाइकल हड्डियां मिलेंगी। इसको बोलते हैं सर्वाइकल बोन। अपनी गर्दन चेक करो बेटा, उसमें सात हड्डियां होती हैं, ठीक है। सम ऑफ देम एडॉप्टेड टू फ्लाई, लिव इन वाटर, कुछ बेटा वहां पर उड़ना भी सीख गए, कुछ पानी के अंदर रहना भी सीख गए, मोस्टली तो टेरेस्ट्रियल है। रेस्पिरेशन बेटा फेफड़ों से होती है, हम खुद मैमल है, अपनी चीजें देख लो, ठीक है। अगला देखो बेटा, इसके अंदर बेटा दांत होते हैं, चबाने वाले भी और काटने वाले भी। हमारा हार्ट कैसा है, फोर चैम्बर, ये तो हम 10th क्लास में पढ़ के आए हुए हैं। होमियोथर्मिक होते हैं, मतलब हम अपना खून खुद क्या कर सकते हैं, हमारा वार्म ब्लड होता है, हम अपना टेम्परेचर बेटा खुद मेंटेन कर सकते हैं। रिप्रोडक्शन हमारा सेक्सुअल होता है, यूनिसेक्सुअल हम खुद होते हैं, मेल फीमेल अलग अलग है। फर्टिलाइजेशन बेटा इंटरनल है, कुछ को क्रॉस भी हो सकता है, और मोस्टली क्या होते हैं, वीवी पैरस होते हैं, बच्चे देते हैं, डेवलपमेंट डायरेक्ट है। एग्जाम्पल में खुद का लिख दो नाम, प्लेटीपस, कंगारू, फ्लाइंग फॉक्स, डॉल्फिन, इंपॉर्टेंट है डॉल्फिन, बट लोग मछली समझ के इसको डॉल्फिन को कहाँ डाल देंगे, फिश में डाल देंगे, लेकिन ये क्या है, डॉल्फिन क्या है, और ब्लू व्हेल, नेक्स्ट एग्जाम्पल, ब्लू व्हेल और डॉल्फिन क्या है बेटा, दोनों मछली हैं, लेकिन कैसे है, मैमल्स हैं। कैमल हो गया, रैट हो गया, मंकी हो गया, डॉग हो गया, कैट हो गया, हॉर्स हो गया, एलिफेंट हो गया, टाइगर हो गया, और लायन हो गया। इसी के साथ बेटा चैप्टर खत्म हो गया। प्लांट किंगडम हमने पढ़ा था, प्लांट किंगडम हमारा पहला है, उसके बाद एनिमल किंगडम है, और इससे पहले बेटा हम तीन किंगडम पढ़ के आ चुके हैं। कौन कौन सी किंगडम, मोनेरा, प्रोटिस्टा एंड फंजाई, ठीक। तो बेटा इसकी क्लासिफिकेशन दो तरीके से की जाती है, एक्सटर्नल फीचर्स देखकर और इंटरनल फीचर्स देखकर। एक्सटर्नल फीचर्स देखकर जिसने बेटा ये ट्राई किया था, उसका नाम था केरला स्नेरियस सोसाइटी, उसका नाम आपको पता है। केरला स्नेरियस का नाम इससे पहले क्यों फेमस है, टू किंगडम क्लासिफिकेशन देने के लिए और बाइनोमियल नोमल क्लेचर देने के लिए, इन दो चीजों के लिए बेटा उनका नाम बहुत फेमस है। अब नेक्स्ट चीज आप देखो, क्या चीज देखो बेटा, इसके अंदर आप ये देखो कि ये बाहर के करेक्टर देखते हैं, तो बाहर क्या दिखता है आपको, वेजिटेटिव प्रोपेगेटिव वेजिटेटिव करेक्टर दिख सकते हैं, या एंड्रोशियम दिख सकता है, या गैनेक्शियम दिख सकता है, ठीक। इसमें बेटा प्रॉब्लम यही थी कि वेजिटेटिव प्रोपेगेशन और सेक्सुअल बिल्कुल नहीं हो सकते, क्योंकि एक सेक्सुअल है और एक एसेक्सुअल है, ये यहाँ पे प्रॉब्लम थी बेटा। उसके बाद नेचुरल जो क्लासिफिकेशन दिया वो बेंथम एंड हुक ने दिया, और बेटा वो इंटरनल एक्सटर्नल दोनों तरह के करेक्टर्स को देखता था, जैसे कि एनाटॉमी, जैसे एनाटॉमी, स्ट्रक्चर, एम्ब्रियोलॉजी एंड फाइलोकेमिस्ट्री। अब ये फाइलोकेमिस्ट्री क्या है बेटा, फाइलोकेमिस्ट्री का मतलब होता है, या फाइलोजेनी का मतलब होता है, अपने एंसेस्टर से उनका क्या नाता था, किस तरीके से उनका इवोल्यूशन हुआ, ठीक है। फाइलोजेनी जहाँ भी आया बेटा, इस वर्ड का याद रखना, इसका मतलब हेरिडिटी होता है, मेंडल वाले चैप्टर में पढ़कर आए थे। न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी बेटा नंबर्स का यूज किया जाएगा, साइटो के अंदर बेटा हम साइटोलॉजिकल
चीजें देखेंगे। साइटो मतलब क्या होता है, जीव द्रव मतलब कोशिका का द्रव, मतलब सेल का जो अंदर वाटर भरा होता है ठीक है, उसको साइटोप्लाज्म कहते हैं। उसके अंदर क्या हो सकता है, क्रोमोसोम हो सकता है, स्ट्रक्चर्स ऑफ डीएनए वगैरह हो सकता है। और कीमोटेक्सोनोमी का मतलब जो भी केमिकल बेसिस पे हो, इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट देखो बेटा, मेल गैमेट फीमेल गैमेट जब दोनों आपस में मिलते हैं तो फर्टिलाइजेशन होता है बेटा, फर्टिलाइजेशन होता है, उससे जायगोट बनता है। अब जायगोट 2n होता है, डिप्लोइड होता है। क्यों? क्योंकि बेटा दोनों गैमेट हैप्लोइड हैप्लोइड होते हैं, सिंगल एंड क्यों? क्योंकि बेटा ये सेग्रीगेशन होने के बाद सिंगल एंड आते हैं। हमने मेंडल वाले चैप्टर में पढ़ रखा है, हेरिडिटी के अंदर 10th क्लास में ठीक। और बेटा सिर्फ और सिर्फ मियोसिस और माइटोसिस दो तरह की सेल डिवीजन पाई जाती है बेटा। मियोसिस के अंदर होता है एक सेल के चार सेल हो जाती है। अगर वो डिप्लोइड सेल है तो बेटा लास्ट में जो चार सेल बनेगी वो हैप्लोइड होंगी, सिंगल आएंगे। और माइटोसिस में एक का दो हो जाता है, अगर बेटा डिप्लोइड सेल है तो डिप्लोइड का डिप्लोइड ही रहेगा ठीक है बेटा। आप एक चीज याद रखना कि जब बेटा मेल के गैमेट्स बनते हैं, मेल के गैमेट्स बनते हैं ह्यूमन में, तभी बेटा क्या होती है, मियोसिस होती है, नहीं तो पूरे टाइम माइटोसिस होती है ठीक। अगर बेटा जायगोट के टाइम पर माइटोसिस हो जाए तो वो तो नॉर्मल कंडीशन है, एम्ब्रियो बन जाएगा जायगोट से। लेकिन अगर वहां भी मियोसिस हो जाए, मतलब जायगोट के चार टुकड़े हो जाए अलग अलग, वो भी सिंगल प्लॉइडी के मतलब हैप्लॉइड हो जाए, तो बेटा उस कंडीशन के अंदर एक फैलस बॉडी बनेगी, जो कि बेटा कैसी होगी, बहुत पुरानी होगी, कोई रूट नहीं होगा, कोई लीव नहीं होगा, बड़ी सिंपल स्ट्रक्चर होगी बेटा। उसी को हम थैलोफाइटा बोलते हैं या थैलस बॉडी बोलते हैं, जिसका एक एग्जांपल हमारे पास क्या है, एल्गी, जो क्या है, बड़े ही प्रिमिटिव है। उनका गैमेट्स भी बेटा प्रिमिटिव ही होंगे आगे रिप्रोडक्शन के लिए। लेकिन बेटा यहाँ पर नॉर्मल माइटोसिस होती है तो वहां पर एम्ब्रियो बनता है, तो उसको एम्ब्रियोफाइटा बोलते हैं। यहाँ पर बेटा जो गैमेट्स होते हैं वो कैसे होते हैं, मल्टीसेलुलर एंड जैकेटेड। यहाँ पर क्या होंगे, अनजैकेटेड। जैकेटेड मतलब क्या होगा, प्रोटेक्टेड होंगे। नहीं देखो बेटा इसका एग्जांपल क्या है, इसका तो एग्जांपल एल्गी हो गया, लेकिन बेटा इसका एग्जांपल होता है ब्रायोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, टेरिडोफाइट। लेकिन बेटा अगर इसका एक सीक्वेंस देखो अच्छे तरह से याद करने का, तो सीक्वेंस ये है, पहले एल्गी, फिर ब्रायोफाइट, फिर टेरिडोफाइट, देखो ना फाइट थोड़ा सेम लग रहा है, और फिर जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म जी। बेटा एंजियोस्पर्म होते हैं हमारे लास्ट वाले, सबसे एडवांस पेयर जो हमें आज दिखाई देते हैं, और जिम्नोस्पर्म वो होते हैं जिनके अंदर बेटा जिनके अंदर सिर्फ बीज बनता है, सीड बनता है, लेकिन फ्रूट नहीं बनता, लेकिन एंजियोस्पर्म में सब कुछ बनता है ठीक है बेटा। मियोसिस कहां कहां पर पाई जाती है, तो बेटा देखा अगर जायगोट पे मियोसिस होगी तो एल्गी बनेगी, ऊपर दिख गया बेटा। स्पोर के अंदर जब स्पोरिक मियोसिस होगा तो ब्रायोफाइटा और टेरोफाइटा के अंदर होगा, और बेटा गैमेट्स के अंदर जहां सिर्फ गैमेट्स बनाने के लिए मियोसिस होगा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म होगा ठीक है। आप देखो अगला क्या है, एल्गी, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, बिल्कुल बेटा सीक्वेंस को भूलने का नहीं। अब यार देखो एम्ब्रियो एल्गी में बनता है, कभी नहीं बनता, लेकिन बाकी सब में बनता है ठीक है। नेक्स्ट लाइफ साइकिल कैसी होगी बेटा, इसकी ओनली हैप्लोइडिक लाइफ साइकिल, क्यों बेटा ज्यादातर लाइफ साइकिल के अंदर ये हैप्लोइडिक सेल्स में ही रहता है। आगे मैं लाइफ साइकिल के चित्र में दिखा दूंगा, लेकिन यहाँ पर हैप्लोइडिक डिप्लोइडिक होगा बेटा। ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा काफी हद तक सेम कैरेक्टर दिखाते हैं, फाइटा फाइटा से याद रखना। तो ये भी हैप्लोइडिक डिप्लोइडिक, लेकिन बेटा जो हायर प्लांट है जैसे जिम्नोस्पर्म जिसमें सीड बनता है, एंजियोस्पर्म जिसमें फ्रूट बनता है, वो ओनली डिप्लोइडिक लाइफ साइकिल दिखाते हैं। हाँ हैप्लोइड इनके गैमेट जरूर होते हैं, लेकिन वो होते हैं छोटे। तो बहुत ज्यादातर जो लाइफ साइकिल है वो कैसी है, डिप्लोइडिक है, तो बेटा इसको हम डिप्लोइडिक मानते हैं। इसमें क्या है, हैप्लोइडिंग डिप्लोइडिंग दोनों सेम है, मतलब सेम रेशियो रहता है, तो हैप्लोइडिक उसके अंदर भैया हैप्लोइड सेल्स में ज्यादा रहता है। अगला मेन प्लांट बॉडी कैसी होगी, गैमेटोफाइटिक बॉडी होगी। अगली इसकी भी गैमेटोफाइटिक होगी, ओनली गैमेट फॉर्म होंगे। लेकिन टेरिडोफाइट क्या होगी भैया, स्पोर भी बनाएगा, हाँ बेटा यह क्या, स्पोर भी बनाएगा और ये सीड बनाएगा, याद रखना ये सबसे पहले सीड जिम्नोस्पर्म में, लेकिन एंजियोस्पर्म फ्रूट्स बनाएगा। तो क्या सीड नहीं बनाएगा बेटा, फ्रूट के अंदर ही तो सीड होता है ठीक है। अच्छा अगली चीज देखो, ट्रू रूट्स, ट्रू सेम, ट्रू लीव्स, मतलब सच्ची रूट सेम ये सर्च किसमें होगी, तो एल्गी में तो होगी नहीं, सबसे सिंपल स्ट्रक्चर है। ब्रायोफाइटा में भी ये देखने को नहीं मिलता, टेरिडोफाइटा में चालू हो जाता है, लेकिन कैसा मिलता है, ज्यादा बहुत ज्यादा एडवांस नहीं मिलता। जिम्नोस्पर्म में काफी हद तक डेवलप दिखाई देता है, और एंजियोस्पर्म में तो भैया आप देख ही सकते हो, आपके कहीं भी आसपास पेड़ देख लो ऊंचे लंबे, वो वही होते हैं ठीक है। अब बेटा एल्गी, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म के अंदर ये देख लो मेल सेक्स ऑर्गन और फीमेल सेक्स ऑर्गन कौन से होते हैं, याद रखना बेटा सबके अंदर मेल सेक्स ऑर्गन जो होते हैं। एंजियोस्पर्म का याद करो बेटा, हम 10th में एंजियोस्पर्म पढ़ के आए हैं अच्छी तरीके से, तो एंड्रोशियम बोलते हैं किसको, मेल सेक्स ऑर्गन को, किसमें, फ्लावर के अंदर। और बेटा लड़की वाले को फीमेल को गाइनोशियम बोलते हैं, ये हमें पहले से आता है, नई चीजें ये आ गई। एल्गी वेल्गी पढ़ी है हमने, लेकिन इतना डीप पे नहीं पढ़ा ठीक है। तो एल्गी क्या होता है, एंथ्रीडियम, ब्रायोफाइट का भी एंथ्रीडियम, टेरिडोफाइट का एंथ्रीडियम, एंथ्रीडियम नॉर्मल। लेकिन बेटा इन सबका जो लड़की वाला होता है उसको आर्चेगोनियम 4 बोलते हैं, लेकिन सिर्फ एल्गी के अंदर डिफरेंस है, ओगोनियम है, ओगोनियम सिर्फ एल्गी के अंदर ओगोनियम है। यहां से बेटा नेट का क्वेश्चन बन सकता है, ऑप्शन में दे सकता है फीमेल सेक्स ऑर्गन इन एल्गी व्हाट, तो आर्चेगोनियम 4 आर्चेगोनियम और गाइनोशियम ओगोनियम, तो बेटा ओगोनियम पे टिक कर देना। अगला देखो मेन प्लांट बॉडी किस तरह की होती है, ब्राइट ऑफ बायोफाइटा और टेरिडोफाइटा की ही देख रहे हैं बेटा, क्यों, बाकी होगी तो मेन बॉडी काफी डेवलप है जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म की। देखो गैमेटोफाइटिक बॉडी होती है पहले बता दिया, और इसकी स्पोरोफाइटिक बॉडी होती है, टेरोफाइट की स्पोर फॉर्मेशन होती है ठीक है। स्पोर कैसे होते हैं, डिपेंड अपॉन द गैमेटोफाइट, गैमेट्स पर डिपेंड करते हैं, अभी गैमेट बनेंगे तो गैमेटोफाइट पर डिपेंड करेंगे। और स्पोर क्या होता है भैया, इंडिपेंडेंट होता है, कोई दिक्कत नहीं, एक बार मूव करे और फिर जर्मिनेट हो जाए ठीक है। इसके अंदर बेटा फोटोसिंथेसिस होती है, हाँ गैमेट्स बनेंगे तो फोटोसिंथेटिक, स्पोर बनेंगे तो नहीं, नीचे बेटा गैमेट बने चाहे स्पोर, दोनों के दोनों कैसे होंगे, फोटोसिंथेटिक। लाइफ साइकिल देखो बेटा एल्गी की, तो एल्गी के गैमेटोफाइटिक बॉडी सिंगल एंड डिप्लॉइड,
गैमेट, गैमेट्स बने हैप्लॉइड, गैमेट से जायगोट बना, ये हुआ डिप्लॉइड, बाकी बेटा मियोसिस हो गए फिर से हैप्लॉइड। तो इसकी मोस्ट ऑफ द लाइफ में क्या है, हैप्लोइंटिक मतलब सिंगल एल चल रहा है और डिप्लॉइड सिर्फ जायगोट हुआ, तो यहाँ पर इसको बोलते हैं हैप्लॉइड लाइफ साइकिल। अगला देखो बेटा, ब्रायोफाइट के अंदर का गैमेटोफाइटिक बॉडी, गैमेट्स, गैमेट्स जायगोट 2n, ठीक है, क्या बना 2n जायगोट बना, लेकिन यहाँ पर होगा मियोसिस, क्या होगा बेटा मियोसिस हुआ, और मियोसिस मियोसिस नहीं सॉरी माइटोसिस हुआ, आई एम सॉरी माइटोसिस हुआ, जिसकी वजह से बेटा माइटोसिस में क्या होता है सेम प्लॉइड लेवल मेंटेन होता है और एक के दो ही बनते हैं, जायगोट डिवाइड होता है, स्पोरोफाइट बना, वहां से स्पोर मदर सेल और यहाँ पर स्पोर्स बने। तो आप देख रहे हो यहाँ पर हैप्लॉइड ज्यादातर क्या है, ज्यादातर क्या है बेटा हैप्लॉइड भी है नीचे के और डिप्लॉइड भी है और हैप्लॉइड भी है, तो हैप्लॉइड डिप्लोइंटिक लाइफ साइकिल चली। बेटा टेरिडोफाइट के अंदर देखोगे तो वहां पर सेम ही बात चल रही है, वहां भी बेटा क्या हो रहा है आपको दिख रहा है, नीचे की तरफ देखो तो आपको डिप्लोइंटिक और ऊपर की तरफ देखो तो हैप्लोइंटिक लाइफ साइकिल दिख रही है, तो हैप्लोइंटिक डिप्लोइंटिक ब्रायोफाइट और टेरिडोफाइट दोनों के अंदर चलती है। लेकिन बात आ गई है जिम्नोस्पर्म की, जिम्नोस्पर्म बेटा थोड़ा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है और सिर्फ मियोसिस होगी तो सिर्फ गैमेट्स बनाने के लिए होगी, ना कि तो पूरे टाइम यहाँ पर क्या डिप्लोइंटिक माइटोसिस का काम ही होगा। जैसे स्पोरोफाइटिक बॉडी डिप्लॉयड, वहां से मेल गैमेट और फीमेल गैमेट बने, पर याद रखना बेटा जिम्नोस्पर्म के अंदर फीमेल गैमेट बड़ा होता है और मेल छोटा होता है, तो उसको मेगास्पोर बोलते हैं फीमेल को और उसको माइक्रोस्पोर बोलते हैं, ठीक है, उससे बेटा मेगास्पोर बना मतलब फीमेल और फीमेल, और यहां से बेटा माइक्रोस्पोर बना मतलब मेल मेल का स्पोर, दोनों बेटा मिलेंगे तो फर्टिलाइजेशन होगा, वहां से जायगोट बनेगा और क्या होगा बेटा एम्ब्रियो बनेगा, क्यों, क्योंकि यहां पर होगी माइटोसिस, क्या होगी माइटोसिस। बेटा यहां पर क्या है ज्यादातर लाइफ साइकिल कैसी है डिप्लॉइड है, तो इसलिए बेटा इसको डिप्लोइंटिक लाइफ साइकिल बोलेंगे। बात समझ में आ गया, तो हैप्लोइंटिक डिप्लोइंटिक लाइफ साइकिल मैंने यहाँ पर दिखा दिया, हैप्लोइंटिक मोस्ट ऑफ द एल्गी यही शो करती हैं, हैप्लोइंटिक डिप्लोइंटिक में आग बंद करके ब्रायोफाइटा टेरिफाइटा डाल देना, एग्जांपल में बेटा यहाँ पर क्या पॉली पॉलीस्पोनिया और एक्टो एक्टोकार्पस, और डिप्लोइंटिक की बात करें तो डिप्लोइंटिक बेटा जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म मतलब हायर, और एल्गी एक इसके अंदर बेटा एक ऐसा एक्सेप्शन है जो कि नीट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, एल्गी फ्यूकस की ऐसी एक एल्गी जो कि डिप्लोइंटिक लाइफ साइकिल दिखाई होती है, तो पता है एल्गी तो दिखाती ही नहीं हैप्लोइंटिक दिखाती है, तो तुम क्या करोगे एल्गी पे कभी भी ओके नहीं करोगे, तो आप बड़ा कंफ्यूज हो जाओगे। तो याद रखना एक ऐसी एल्गी जो कि डिप्लोइंटिक लाइफ साइकिल दिखाती है वो है बेटा फ्यूकस। अगला देखो बेटा एल्गी, बेटा एल्गी के बारे में पढ़ो, एल्गी के बारे में आपको पता है एल्गी के अंदर क्लोरोफिल पाया जाता है, थैलोइड बॉडी है बेटा, इसी तरीके से अगर वो बहुत ज्यादा क्या है क्लोरोफिल है तो बेटा ऑटोट्रॉपिक होगी मतलब अपना खाना खुद बनाएगी और फोटोसिंथेसिस करेगी, ठीक है। अगला बेटा क्या है कॉलोनी किसके अंदर रहती है, ग्रुप्स में रहती है तो होती है वॉलवॉक्स, फिलामेंट्स के रूप में बनती है तो यूलोथरेक्स स्पायरोगायरा, ठीक है, और बेटा मैसिव बॉडी बड़ी बड़ी बॉडी जिसकी होती है कल्प, क्या कल्प्स। एसोसिएशन देखो तो हम पहले क्लास में पढ़ के आए कि फंगी के साथ एसोसिएशन करती है तो लाइकेन बनाती है, ठीक है, खाना ये बनाती है, फंगी क्या करता है इसको शेल्टर देता है, और एनिमल्स के अंदर सिर्फ और सिर्फ स्लॉथ बियर के साथ ये काम करती है, एग्जांपल इंपॉर्टेंट है। अगला देखो बेटा ये क्या है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, किसमें ग्रीन एल्गी ब्राउन एल्गी रेड एल्गी, अब ये तीनों डिफरेंशिएशन किस बेसिस पे है बेटा इस बेसिस पे है कि एल्गी का कलर क्या है पिगमेंट कौन सा है, ठीक है। अब फ्रेगमेंटेशन होगा अगर वेजिटेटिव प्रोपेगेशन होगा तो फ्रेगमेंटेशन फ्रेगमेंटेशन, लेकिन सिर्फ याद रखना कि इसी में यहाँ पर सेम है, बाकी रेड एल्गी हमेशा ग्रीन एल्गी और ब्राउन एल्गी से थोड़े से अलग करेक्टर दिखाती है। जैसे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन यहाँ पर जूस्पोर से होगा, दोनों के जूस्पोर मोटाइल होंगे चल सकेंगे लेकिन इसका नॉन मोटाइल होगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसके अंदर बेटा मोटाइल गैमेट्स होंगे दोनों में लेकिन इसी का गैमेट नॉन मोटाइल होगा, ठीक। बेटा ग्रीन एल्गी के बारे में पढ़ो, ग्रीन एल्गी क्या है वैसी एल्गी जिसका बेटा कलर क्या दिखाई देता है ग्रीन दिखाई देता है, क्यों क्लोरोफिल की वजह से बेटा, क्लोरोफिल कहां पर पाया जाता है उसके अंदर एक स्ट्रक्चर होता है जिसको बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट, ठीक, कैसा होता है डिस्क शेप का होता है, प्लेट शेप का होता है और स्पाइरल और रिबन जैसे मिलता है, लेकिन मेजोरिटी बेटा कैसे होती है डिस्क शेप होता है। एल्गी के बारे में तो पता है भैया एल्गी तो यूनिसेलुलर होती होती है, ये कॉलोनी में पाई जाती है और फिलामेंट्स में पाई जाती है। अगला पाइरेनॉइड बॉडी, ये पाइरेनॉइड बॉडी क्या है बेटा, ऐसी एक स्ट्रक्चर पाई जाती है ग्रीन एल्गी के अंदर जो कि काफी प्रोटीन अपने अंदर कंटेन करती है, क्या कंटेन, उसके अंदर स्टार्च भी पाया जाता है शुगर के रूप में लेकिन बेटा वहां पे प्रोटीन भी मिलते हैं, तो ग्रीन एल्गी क्या है गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन एज वेल, ठीक है। अगला ब्राउन एल्गी देखो ब्राउन एल्गी, तो बेटा ब्राउन एल्गी हमको ब्राउन एल्गी की खासियत क्या है कि ब्राउन एल्गी बहुत छोटी शेप में ही मिल सकती है और बहुत बड़ी शेप में मिल सकती है, मतलब 100 मीटर तक की ब्रांचेस के अंदर हमको ये दिखाई दे सकता है। याद रखना बेटा एल्गी ज्यादातर पानी के अंदर ही पाई जाती है, एक्वाटिक ही होती है एल्गी। अगला देखो बेटा वेरिएशन कलर, कलर बहुत मिलेंगे ब्राउन एल्गी, कलर क्यों मिलेंगे ब्राउन की दुनिया भर की शेड मिलेगी, ऑलिव ग्रीन से ब्राउन की सारी शेड मिलेगी बेटा, जो इसके अंदर पिगमेंट प्रेजेंट होता है जेंथोफिल, क्या जेंथोफिल, पर्टिकुलर पिगमेंट क्या था फ्यूकोजेंथिन, क्या फ्यूकोजेंथिन, ये बेटा इंपॉर्टेंट है, इसका एक कैरेक्टर हो रहा है बेटा इसकी प्लांट बॉडी बहुत ज्यादा, क्या इसकी प्लांट बॉडी में तीन स्ट्रक्चर होते हैं होल्ड फास्ट, होल्ड फास्ट का मतलब होता है बेटा जो इसको किसी चीज से जोड़ कर रखे, जैसे पेड़ों की जड़, जैसे पेड़ों की जड़ होती है उसको अटैच करके रखती है। अगला आता है स्टिप, ये मान लो पेड़ का तना, क्या मान लो तना है ना, तो ये हो गया स्टॉक, और फोन का मतलब होता है मेन प्लांट बॉडी जो ऊपर, मान लो अगर ये पूरा एक स्ट्रक्चर है, ये पूरा स्ट्रक्चर है तो बेटा ये स्टॉक हो गई, ये नीचे होल्ड फास्ट जिससे फंसा हुआ है और ये बेटा हमारा फोन मेन बॉडी स्ट्रक्चर हो गया, ठीक है। अच्छा, और इसके बेटा सेक्सुअल और स्पोर्ट्स और गैमेट्स बेटा पियर शेप के होते हैं। अगला देखो बेटा
रेड एलगी। रेड एलगी क्या होती है भैया, रेड कलर के पिगमेंट्स की वजह से, और जो इसके अंदर बेटा पिगमेंट पाया जाता है उसका नाम है आर फाइको इरेथ्रीन, फाइको इरेथ्रीन। और बेटा इरेथ्रीन का मतलब ही होता है रेड कलर, जहां भी इरेथ्रीन दिखाई देता है समझना रेड कलर की बात है। तो एक अच्छा तरीका हो सकता है बेटा पेपर में याद करने का। अगला, तो रेड पिगमेंट की वजह से रेड नजर आती है बेटा, ये सरफेस पे भी दिखाई दे सकती है ओशन के, और ओशन की गहराइयों में मिलती है। तो बेटा जब ये हमको, अब इसकी बॉडी कैसी होती है, काफी कॉम्प्लेक्स होती है, काफी कॉम्प्लेक्स होती है, मतलब नॉर्मल यूनिसेक्सुअल बॉडी की तरह नहीं दिखाई देती। पर ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट ये वाला है कि इसके अंदर कौन सा पिगमेंट मिलता है, ठीक है। अच्छा, अगली चीज देखना बेटा, मैंने पहले बता दिया कि कॉम्प्लेक्स बॉडी है तो मल्टी सेल्यूलर है, तो ये एक ऐसी एलगी जो कि मल्टी सेल्यूलर भी हो, तो रेड एलगी उसका एक एग्जांपल हो सकता है। हाँ, रेड एलगी, ठीक ठीक। अगली चीज देखो बेटा, कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजेशन। अब ये मल्टी सेल्यूलर है तो कॉम्प्लेक्स साइकिल सी दिखाएगी। नॉन मोटाइल गैमेट स्पोरर फाउंड, बेटा इसके अंदर स्पोर जो स्पोर्स बनते हैं, गैमेट्स बनते हैं, नॉन मोटाइल होते हैं। कैसे पता, अभी हमने देखा था कि बेटा ब्राउन एल्गी ग्रीन एल्गी दोनों मोटाइल बनाती है, लेकिन इसके सेक्सुअल भी और इसके दोनों के दोनों नॉन मोटाइल होते हैं। फूड इसके अंदर बेटा फ्लोरिडेन, फ्लोरिडेन के नाम से जो हाँ स्टार्च, स्टार्च के रूप में होता है, वो स्टार्च क्या कहलाता है, फ्लोरिडेन। क्या, फ्लोरिडेन। बस बेटा ग्लाइकोजन और एमाइली पेक्टिन की तरह ही होता है, तीनों हो गए। अच्छा बेटा एलगी का यूज क्या है, बेटा एलगी एक तो पूरी हाँ दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा CO2 को फिक्स वही करती है, मतलब फोटोसिंथेटिक है, तो दुनिया की 50% CO2 को ऑक्सीजन में कन्वर्ट करने का काम ये करती है। वेरी गुड। तो बेटा ये क्या करते हैं, हमारे हमारे एक्वाटिक एनवायरमेंट के अंदर क्या करते हैं, सबसे ज्यादा बेटा ऑक्सीजन को फिक्स करते हैं, ठीक है, CO2 को फिक्स करते हैं, ऑक्सीजन देते हैं, ठीक। और बेटा एक्वाटिक एनिमल को सबसे ज्यादा फूड भी यही प्रोवाइड करेंगे, क्योंकि वहां के क्या है, प्रोड्यूसर्स है, चीफ प्रोड्यूसर हो गए। अगला देखो बेटा एग्जांपल क्या, पोरीफेरा लैमिनेरिया सार्गेसम, ये बेटा फूड की तरह यूज होते हैं। पोरीफेरा लैमिनेरिया सार्गेसम फूड की तरह यूज होते हैं। अगर अगर से अगर जो होता है, अगर मिलता है कहां से, जेलेडियम से और ग्रासिलेरिया से। अगर बेटा अगर से क्या बनता है, आइसक्रीम एंड जेली, ऐसे याद कर लो, अगर नहीं होता है जेलेडियम और ग्रासिलेरिया तो नहीं मिलती आइसक्रीम और जेली, ठीक है। अगला देखो हाइड्रोक्लोराइड, हाइड्रोक्लोराइड का मतलब क्या होता है कि इनके अंदर बेटा वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बहुत अच्छी होती है। इसका एक एग्जांपल है एल्गिन, एल्गी से एल्गिन, बड़ा अच्छा याद हो गया, एल्गिन से एल्गी, ठीक है। बस अच्छा, तो एल्गिन क्या है, ब्राउन एल्गी। और बेटा अगला क्या है, कोरेजिन, कोरेजिन होता है रेड एल्गी। तो बेटा ये वाला एग्जांपल इंपॉर्टेंट है ऊपर वाला। अब क्लोरेला वाला एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यों, क्लोरेला एक ऐसी बेटा एल्गी है जो कि बहुत ज्यादा प्रोटीन रिच है। तो जो बेटा स्पेस के अंदर लोग जाते हैं, स्पेस ट्रेवलर्स जाते हैं, ठीक है, वो बेटा अपने साथ क्या क्लोरेला को फूड के रूप में यूज करते हैं, ताकि उनकी प्रोटीन की रिक्वायरमेंट पूरी हो सके, वो ज्यादा सामान भी कैरी ना करना पड़े। बट आइसोगैम्स का मतलब होता है जिसके अंदर गैमेट जो हो सेम साइज के हों। एन आइसोगैम्स का मतलब है जिसके अंदर गैमेट्स डिफरेंट साइज के हों। और बेटा ऊ गैम्स का मतलब होता है जिसके अंदर फीमेल गैमेट क्या हो, बड़ा हो और मेल छोटा हो, और मेल तो मूव करे, मोटाइल हो, हाँ, लेकिन बेटा फीमेल का वो स्पोर मूव नहीं करता, गैमेट मूव नहीं करता, ठीक है। अच्छा अभी याद रखना कि रेड एल्गी के जो गैमेट्स होते हैं वो ऊगैमी होते हैं, बाकी ग्रीन और ब्लू के आइसो भी होते हैं, एनआईसो भी होते हैं, ऊगैमस, तीनों तरीके का शो करता है। रेड एल्गी तो मैंने बताया था ना, हमेशा इन दोनों से अलग चलता है। हाँ। ये दोनों यूनिसेलुलर, ये भैया मल्टी सेलुलर, ये दोनों सिंपल, ये कॉम्प्लेक्स, इसके मोटाइल, इसके नॉन मोटाइल स्पोर्स। अगला देखो ब्रायोफाइट, बेटा ब्रायोफाइट को एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम भी कहते हैं, मतलब क्यों, क्योंकि ये जमीन पे और बेटा पानी में दोनों तरीके से रह सकते हैं, ठीक है। अच्छा बेटा इसके अंदर दो एग्जांपल है इसका, मोसिस एंड लिवरवॉर्ट, मोसिस एंड लिवरवॉर्ट, हाँ ब्रायोफाइट के दो एग्जांपल मोसिस एंड लिवरवॉर्ट, ठीक। प्लांट के सक्सेशन में बहुत अच्छा काम निभाते हैं, ठीक, क्योंकि बेटा इनके पास क्या होती है, ना तो असली रूट होती है, ना असली स्टेम होता, ठीक है, और ना असली स्टेम होता है, ना असली रूट होती है, ना लीव्स होती है, ठीक है। अच्छा बेटा अगले देखो बेटा, ये जो चुपकते हैं किसी चीज से, होल्ड करते हैं, कैसे करते हैं, तो ये राइजोइड से करते हैं, क्या करते हैं, राइजोइड से करते हैं। ये बेटा क्या करते हैं, हर्बीवोरस जो एनिमल्स होते हैं उनके उनके फूड के रूप में भी यूज हो जाते हैं, ठीक है बेटा। एक चीज और, ये बेटा अगर किसी के साथ एसोसिएशन बनाते हैं, तो मोसिस जो इसका पहला एग्जांपल है, मोसिस दूसरा लिवरवॉर्ट, तो बेटा मोसिस लाइकेन के साथ, लाइकेन तुम्हें पता है एल्गी प्लस फंगी, इसके साथ एक एसोसिएशन बना लेता है, कोलोनाइज रॉक, रॉक को कोलोनाइज करने में। इसका मतलब पत्थरों के ऊपर बेटा हरी हरी बहुत सारी ग्रीन ग्रीन दिखाई देती है, वो एक ब्रायोफाइट का एग्जांपल है। वो क्या करता है बेटा, धीरे धीरे उस पत्थर को तोड़ने का काम करते हैं, उसको मिट्टी में मिलाने का काम करते हैं, और बेटा नए नए प्लांट्स को उगाने में काम करते हैं, और मिट्टी बनाने में काम करते हैं। तो बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ना। और डेंस मैट बना देते हैं, मतलब बड़ी बड़ी रेतीली जगहों पर, मिट्टी की जगह पर बड़े बड़े हरे हरे मैट बनाते हैं मोटे मोटे, इससे क्या होता है सॉइल इरोज होना बंद हो जाती है, पानी के साथ बहना बंद हो जाती है। बेटा इसका एग्जांपल क्या है, स्फाग्नम, क्या है स्फाग्नम। बेटा स्फाग्नम क्या यूज होता है, स्फाग्नम का यूज बेटा, स्फाग्नम का एग्जांपल है पीट, जो कि फ्यूल की तरह यूज होता है, और बेटा पैकेजिंग मटेरियल की तरह भी यूज होता है। क्यों, क्योंकि इसके बेटा ये वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है, तो वाटर लूज ना हो, तो बेटा इस चीज की ट्रांसपोर्टेशन ऐसी चीज है जो कि वाटर या मॉइस्चर जिनका मेंटेन रहना चाहिए लॉन्ग डिस्टेंस में। मान लो किसी का, कहां पे आपको गुलाब के पौधे भेजने हैं, इंडिया टू अमेरिका, लेकिन बेटा अमेरिका जाते हैं तो सूख जाएंगे, फ्रिज के अंदर भी नहीं रख सकते, तो बेटा हम क्या करते हैं उसकी स्फाग्नम की से पैकिंग करते हैं। क्यों बेटा, वो उसका मॉइस्चर सूखने नहीं देता। अगला देखो लिवरवॉर्ट्स, और बेटा मोसिस का एग्जांपल देखो, लिवरवॉर्ट क्या होते हैं, लिवरवॉर्ट्स का मतलब होता है बेटा ऐसे ब्रायोफाइट जो कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करें, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन वो फ्रेगमेंटेशन से करेंगे, ज्यादातर फ्रेगमेंटेशन ही दिखाई दे रहा है हमको, है। और इस एग्जांपल है बेटा गैमा, क्या गैमा कप। अगला गैमा क्या होता है बेटा, ये ग्रीन मल्टीसेलुलर एसेक्सुअल बर्ड्स डेवलपमेंट इन गैमा कप, मतलब एसेक्सुअल बर्ड्स बनाने की जो काम आता है वो
गैमा का पौधा है, आपको स्ट्रक्चर में दिखाई दे जाएगा। स्पोरोफाइट क्या होता है बेटा? स्पोरोफाइट इज डिफरेंशिएट इनटू फूड सेटा एंड कैप्सूल। बेटा स्पोरोफाइट का मतलब मेन बॉडी, मैं आपको दिखाऊंगा बेटा ये सेटा कैप्सूल फूड है कहाँ पे, ठीक है मैं आपको दिखाऊंगा। अगर यहाँ पर क्या बनते हैं स्पोरोफाइट आ रहे हैं, जहां पर स्पोर बने और जहां पर बेटा गैमेट्स बने वो भी कैसे एसेक्सुअली, बात खत्म। मोसिस क्या होते हैं भैया? मोसिस होते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर फ्रेगमेंटेशन से और बडिंग करें, क्या करें बर्डिंग करें बेटा। इसका एग्जांपल है प्रोटोनीमा, क्या प्रोटोनीमा ऑफ मोसिस, प्रोटोनीमा ऑफ मोसिस, ऐसे आप याद करोगे। स्पोरोफाइट क्या होता है बेटा? इसका स्पोरोफाइट कैसा होगा? डिफरेंट इनटू फूड सीधा कैप्सूल, सेम एग्जांपल ऊपर वाले की तरह ही है नीचे। स्पोरोफाइट एंड स्पोर्स आर डिस्पर्सिस मोर इलेबोरेट देन इन लिवर, मतलब लिवर वुड से ज्यादा सेपरेशन है इनका, ये ज्यादा दूर जगह पर पाए जाते हैं। अब बेटा टेरिडोफाइट क्या? टेरिडोफाइट का मतलब समझ लो, टेरिडोफाइट क्या होता है बेटा? मेडिसिन के अंदर यूज होते हैं, सॉइल बाइंडर मतलब सॉइल्स को रोक के रखते हैं। अगला फ्रीक्वेंटली यू ग्रोन एज ऑर्नामेंटल, मतलब सजावट के भी काम आते हैं, आप मान सकते हो बेल वेल और चीजें, बेल वगैरह आता है टेरिडोफाइट में घुस जाती है, ठीक है। अगला देखो टेरिडोफाइट में थोड़ी सी बात समझ लो बेटा, इसके अंदर होता है स्ट्रॉबेरी और कोन्स। अब पता है भैया कोन्स का क्या काम होता है? कोन्स के अंदर स्पोर्स बनते हैं, हमको पता ही है बेटा। इसका एग्जांपल क्या है? स्लेजी लेना और इक्विसेटम, स्लेजी लेना और इक्विसेटम, इन सबके फोटोज दिखाऊंगा अभी एनसीईआरटी में जितनी भी चीजें बता रहा हूं। अगला क्या है? मैक्रोफिल और माइक्रोफिल, मैक्रो मतलब बड़ा और माइक्रोफिल मतलब छोटा, तो बेटा बड़े वाले हैं स्लेजिनेला और छोटा वाला है फर्न। बड़े वाला माइक्रोनेला और छोटा वाला है फर्न। और बेटा होमोस्पोर और हेटरोस्पोर का मतलब, होमोस्पोर मतलब इसके स्पोर सेम दिखाई दे और बेटा हेटरोस्पोर जो कि अलग अलग दिखाई दे। बेटा होमोस्पोर ही बनाते हैं ज्यादातर, ये मेजोरिटी में क्या बनाते हैं? होमोस्पोर ही बनाते हैं, लेकिन कुछ बेटा इसके अंदर क्या बनाते हैं? हेटरोस्पोर्स भी बनाते हैं, इनके स्पोर्स अलग अलग दिखाई दे। तो पहला एग्जांपल है बेटा स्लेजिनेला, स्लेजिनेला देखो सबका एग्जांपल है, दूसरा एग्जांपल ही डिफरेंट है बस। पहले वाले में स्लेजी लेना, फिर स्लेजी लेना, फिर स्लेजी लेना, फिर सिर्फ एग्जांपल सेकंड, इसमें बेटा एक्विसेटम, इसके अंदर फंग, इसके अंदर क्या है साल्विनिया आ गया बस बेटा, इससे ज्यादा एग्जांपल है नहीं, ठीक है। इसके अंदर बेटा पार्शियल एंडोस्पर्मिक डेवलपमेंट भी दिखाई देता है, मतलब थोड़ा बहुत एंडोस्पर्म बनता हुआ दिखाई देता है, कंप्लीट नहीं बनता। जिम्नोस्पर्म क्या है? जिम्नोस्पर्म एडवांस पौधों के अंदर आ जाते हैं, इसके अंदर बेटा आपको ट्रू रूट ब्रांच वगैरह ये सारी चीजें मिल जाएंगी, लेकिन इसके अंदर इंपॉर्टेंट बात क्या है? इसके अंदर फ्रूट डेवलपमेंट नहीं होती है, ठीक है, फ्रूट डेवलपमेंट नहीं होती है। सीड कैसे होते हैं? नंगे होते हैं, तो जिम जाने वाले लोग कम कपड़े पहनते हैं, तो मान लो इनके सीड भी जिम जाते हैं और कपड़े नहीं पहनते, खाली सीड बनते हैं, ठीक है। स्टेम बेटा दो तरह की मिलती है इनकी, अगर अनब्रांच्ड मिलेगी क्या? अनब्रांच्ड मिलेगी, सिंगल मिलेगी, नॉर्मल मिलेगी, तो साइकल्स कहलाएगा, ठीक। मान लो साइकिल से साइकिल, साइकिल कैसी होती है? कॉम्प्लेक्स नहीं होती ना ज्यादा, तो सी से साइकिल याद कर लो, साइकिल याद आएगा तो याद आ जाएगा नॉन कॉम्प्लेक्स, तो नॉन कॉम्प्लेक्स मतलब अनब्रांच सीधी सीधी, तो साइकिल हो गई। ब्रांच मतलब बहुत मुश्किल है ना, बहुत मुश्किल, तो होता है पाइनस। साइकिल का ठीक डिफरेंट होता है बेटा पाइनस, क्या पाइनस। अगला देखो रूट्स कैसी होती है, रूट्स क्या होती है? टेप रूट होती है, कैसी होती है बेटा? टेप रूट मतलब सिंगल टेप जैसी स्ट्रक्चर, एकदम सिंगल। आगे बेटा जब पढ़ेंगे ना आगे, और हम प्लांट के बारे में पढ़ेंगे, दो चैप्टर है हमारे एनाटॉमी और फिजियोलॉजी। अगला देखो माइकोराइजा विद फंगी, ये क्या बनाता है बेटा? माइकोराइजा बनाता है फंगस के साथ, क्या बनाता है? माइकोराइजा बनाता है एसोसिएशन में किसके साथ? फंगी के साथ बनाता है, ठीक है। ओके ओके, और क्या बताना चाह रहा था मैं तुम्हें, हाँ बेटा अगर ये बेटा क्या बने? कैरोलॉइड, क्या कैरोलॉइड? कैरोलॉइड बेटा सीधे से हमको ब्लू ग्रीन एल्गी के साथ बना होता दिखेगा, क्यों? ब्लू ग्रीन एल्गी का काम क्या होता है? ब्लू ग्रीन एल्गी N2 का फिक्सेशन करती है, साइनोबैक्टीरिया जैसे बोलती है, ब्लू ग्रीन एल्गी का एग्जांपल है ना, ठीक है। तो उसके साथ मिलकर क्या बनता है? कैरोलॉइड बनाता है बस, साइकस प्लांट्स के अंदर, ठीक है बेटा। अगला देखो मेल कोन और फीमेल कोन दोनों देखो, अगर बेटा मेल कोन और फीमेल कोन किस अगर सेम हो, मतलब बाइसेक्सुअल हो, तो मान लेना वो पाइनस होगा, क्या होगा? पाइनस होगा, क्योंकि पाइनस ही तो कॉम्प्लेक्स है। पाइनस क्या है? कॉम्प्लेक्स, तो कॉम्प्लेक्स के अंदर ही दो चीजें एक साथ हो सकती हैं, लेकिन जो सिंपल है उसमें तो कभी भी एक साथ नहीं मिलेगी, डिफरेंट मिलेगी मेल और फीमेल दोनों, तो वो साइकस है, क्योंकि वो सिंपल है, क्योंकि साइकल है। अगला डेवलपमेंट लीफ ऑफ जिम्नोस्पर्म, लीफ कैसी होती है भैया? इसकी कंपाउंड लीफ होती है, कैसी? सिंपल भी होती है और कंपाउंड, तो हाँ साइकस क्या होता है? पिनेट और पिनेट लीफ होती है। लीफ के स्ट्रक्चर्स वगैरह बेटा आगे वाले चैप्टर में पढ़ेंगे, यहां से बेटा इस तरह का क्वेश्चन आएगा भी नहीं, सिर्फ ये पूछ सकता है कि लीफ कैसी होती है, तो आप याद रख लो सिंपल भी होती है, कंपाउंड भी होती है, और साइकस की बेटा पिनेट लीफ होती है, ठीक है। ये बेटा बहुत ऊंचे टेम्परेचर, बहुत हाई टेम्परेचर, बहुत तेज हवा, ठीक है, बहुत सूखा, इन सब में भी बेटा सर्वाइव कर सकता है, क्यों? क्योंकि बेटा इनकी पत्ती कांटेनुमा होती है, इसमें काफी कांटे ऐसे स्ट्रक्चर होते हैं, उसका स्कोमा जो स्टोमेटा होता है वो संकीर्ण होता है, मतलब काफी छोटा हो जाता है, क्यों? ताकि वाटर लॉस से बच सके, ठीक है बेटा, हो गया। तो बेटा देखो मैंने आपको बोला था कि मैं लास्ट में एग्जांपल दिखाऊंगा, तो ये रहे ग्रीन एल्गी, ब्राउन एल्गी और रेड एल्गी के एग्जांपल जो मैंने बताए थे। ग्रीन एल्गी में वॉलवॉक्स जो कि बेटा कैसे रहते हैं, कॉलोनीज में रहते हैं, दूसरा यूलोथ्रेक्स। ब्राउन एल्गी में देखो लैमिनेरिया फ्यूकस बेटा फूड की तरह यूज होते हैं। अगला पोरीफेरा और पॉलीसिफेना बेटा इसके अंदर, इसका कोई एग्जांपल था नहीं, मैं यही दिखाता हूँ क्या है। तो बेटा देखो ग्रीन एल्गी के एग्जांपल फर्स्ट एंड सेकंड वॉलवॉक्स यूलोथ्रेक्स, ये है बेटा वॉलवॉक्स, ये क्या है बेटा वॉलवॉक्स, ये है ना, देखो ना कॉलोनी के अंदर दिखाई दे रही है, पेरेंट कॉलोनी दिखाई दे रही है, अंदर क्या है डॉटर कॉलोनी और बन रही है छोटी छोटी, ये देखो बेटा। दूसरा क्या है यूलोथ्रेक्स, क्या है बेटा यूलोथ्रेक्स। अब नेक्स्ट देखो बेटा ब्राउन एल्गी के एग्जांपल लैमिनेरिया और फ्यूकस, क्या बेटा लैमिनेरिया और फ्यूकस और डिक्टोटा लास्ट, देखो बेटा ये रहा पहला लैमिनेरिया,
होल्ड फास्ट से एक चुपके रहते हैं, फिर बेटा डंडी ऐसा स्ट्रक्चर स्ट्रिप होता है और मेन बॉडी स्ट्रक्चर फोंड होता है, ठीक है बेटा। नेक्स्ट देखो, ये देखो नेक्स्ट कौन सा बेटा हमारा, सॉरी लैमिनेरिया, देखो बेटा लैमिनेरिया कैसा है, नियर वही स्ट्रक्चर्स है। और बेटा लास्ट में देखो हमारा कौन है, फ्यूकस है थर्ड, और क्या है बेटा फ्यूकस, दिख रहा है ये रहा बेटा फ्यूकस, सेम वही स्टेप नीचे होल्ड फास्ट। अगला देखो रेड एल्गी के एग्जांपल, रेड दिखाई दे रहा है ना, रेड पॉलीफेरा है बेटा, क्या है पॉलीफेरा, इंपॉर्टेंट एग्जांपल में से एक है पॉलीफेरा, पॉलीसिफोनिया ये रहा बेटा, ठीक है। अगला देखो बेटा टेबल देखो, बड़ी इंपॉर्टेंट टेबल है ये, कि इसके अंदर बता रखा है कि कौन कौन सी एल्गी है, तो ग्रीन एल्गी, ब्राउन एल्गी, रेड एल्गी, बिल्कुल इसी तरह का सीक्वेंस है बेटा। आपको पता है ग्रीन एल्गी ग्रीन दिखाई देती है, ब्राउन एल्गी ब्राउन दिखाई देती है, और रेड एल्गी रेड दिखाई देती है, ठीक। तो बेटा इनकी एक क्लास बनाए, तो क्या बने हैं, तो रेड से बनेंगे रोडोफाइसी, क्लास क्या बनेगी रोडोफाइसी, रोडो मतलब रेड, ठीक है। ब्राउन से क्या होगी फियोफाइसी, क्या फियोफाइसी, ठीक है। और बेटा ग्रीन एल्गी की क्लास होती है क्लोरोफाइसी, क्योंकि क्लोरोफिल के प्रेजेंट होने की वजह से, ठीक। इसके अंदर बेटा ग्रीन कलर होता है तो उसके अंदर क्लोरोफिल ए और बी, ब्राउन में क्लोरोफिल ए होता है बी नहीं होता सी होता है, लास्ट में क्लोरोफिल ए सी भी नहीं होगा तो डी होगा, याद करो देखो कितना आसान है, ए ए ए तीनों में तो ए के साथ बी, नीचे ए के साथ बी नहीं तो सी, नीचे साथ सी नहीं तो डी, ए बी सी डी तीनों में आ गए, ठीक है। अगला देखो स्टोर्ड फूड, तो बेटा ग्रीन एल्गी जो अपना फूड स्टोर करती है, मैंने बोला स्टार्च के रूप में करती है, किसमें स्टार्च के रूप में करती है, अच्छा। और बेटा यहाँ पर लैमिनेरिया, मैनिटॉल लैमिनेरिया, इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल लैमिनेरिया, मैंने पहले बताया था, ठीक है, किसका ब्राउन एल्गी का। अगला बेटा रेड एल्गी के एग्जाम्पल देखोगे तो फ्लोरिडिन स्टार्च, ये भी स्टार्च के रूप में करती है, लेकिन उस स्टार्च का क्या नाम होता है फ्लोरिडिन, बताया था ना बेटा पढ़ाते हुए। अगला देखो इसकी सेल वॉल भाई किसकी बनी होती है, सेल्युलोज की बनी होती है, मतलब भाई प्लांट की तरह दिखाई दे रहा है, प्लांट किंगडम सेल्युलोज। अगला क्या है सेल्युलोज और एल्गीन, मतलब प्रोटीन वाला स्ट्रक्चर। अगला क्या है सेल्युलोज पेक्टिन एंड पोली सल्फेट सल्फेट ईस्टर्स, बेटा सेल्युलोज तो तीनों के अंदर प्रेजेंट है, ठीक। अगला इसमें क्या है पेक्टिन, ये है इंपॉर्टेंट पेक्टिन, ठीक। अच्छा बात देखो भैया फ्लैजिला, तो पहले वाले के अंदर भी फ्लैजिला है 2 से 8 मतलब है, दूसरे के अंदर भी फ्लैजिला है लेकिन इक्वल नहीं है, तीसरे में भैया रेड में है ही नहीं, ये वैसे भी इन तीनों से अलग चलता, दोनों से अलग चलता है बेटा। ग्रीन एल्गी कहाँ मिलेगी फ्रेश वाटर में, ब्राउन एल्गी कहाँ मिलेगी फ्रेश वाटर में, रोडोफाइसी भी फ्रेश वाटर में, ठीक। अगला देखो बेटा ग्रीन एल्गी तुम्हें फ्रेश वाटर के साथ सॉल्ट वाटर के अंदर भी मिल जाएगी, मतलब समुद्र में, लास्ट वाली देखो तो ये भी सॉल्ट वाटर में मिल जाएगी, और बेटा रेड एल्गी की बात करें तो ये भी सॉल्ट वाटर के अंदर मिलेगी, ज्यादातर सॉल्ट वाटर में ही मिलेगी मोस्टली, क्या बेटा मोस्टली, और ऊपर वाली फ्रेश वाटर में ही ज्यादा मिलती, क्या बोलती है ज्यादा मिलेगी फ्रेश वाटर में। और बेटा ब्राउन एल्गी की बात करें तो ये भी बेटा कम मिलती है फ्रेश वाटर पर, फ्रेश वाटर में ही मिलती है दोनों सेट, और सॉल्ट में भी तीनों मिलती है, लेकिन जो ज्यादा सॉल्ट वाटर में सबसे ज्यादा मिलती है वो है रेड एल्गी, और जो फ्रेश वाटर में सबसे ज्यादा मिलती है वो है बेटा ग्रीन एल्गी। आपके आसपास देखे ना एल्गी जम जाती है, है ना, कहीं भी पानी ज्यादा होता है तो बेटा जम जाती है बेटा एल्गी, ठीक है बेटा। बेटा बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन चैप्टर 2 की हम एक क्विक रिवीजन करने वाले हैं नोट्स, ठीक है। पूरे चैप्टर के लिए आप दूसरी वीडियो देखनी है, क्विक रिवीजन। सबसे पहले देखो बेटा बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन करने वाले सबसे पहले साइंटिस्ट का नाम था एरिस्टोटल, उन्होंने बेटा दो ही डिवाइडेशन ली थी, पहले ली थी प्लांट और दूसरी थी एनिमल। बेटा प्लांट के अंदर उन्होंने ट्री लिए थे, श्रब लिए थे, हर्ब लिए, हर्ब होते हैं बेटा घास, श्रब होते हैं छोटे पौधे, और ट्री होते हैं बड़े पौधे। और बेटा एनिमल के अंदर उन्होंने दो चीजों में डिवाइड किया था, किसमें डिवाइड किया था, रेड ब्लड है या रेड ब्लड नहीं है, ठीक है। अगला देखो बेटा क्लासिफिकेशन जो उसके बाद आई, क्योंकि बेटा हमारे पास बहुत सारे ऑर्गेनिज्म है और जो नए नए ऑर्गेनिज्म मिलते चले गए उनको बेटा इन दोनों किंगडम्स के अंदर रखते रखते क्या हुआ, इन किंगडम्स के अंदर बहुत ज्यादा घिचपिच हो गई, चीजों को पहचानना में मुश्किल हुआ, इसलिए बेटा टू किंगडम क्लासिफिकेशन कैरोलस लिनियस लेकर आए, ठीक है। कैरोलस लिनियस कौन है, बायनोम नोमेनक्लेचर वाले, उन्होंने बेटा प्लांट और एनिमल में ही डिवाइडेशन किया, लेकिन फिर भी बेटा काम नहीं बना, क्यों, कुछ ऐसे भी जीव जंतु मिल रहे थे जो कि एनिमल और प्लांट से भी मैच नहीं खाते थे। तो बेटा थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन आई जिसको लेकर आए अर्नेस्ट हैकल, अर्नेस्ट हैकल हकलाते हुए बेटा प्लांट और एनिमल के साथ प्रोटिस्टा को लेकर आए। प्रोटिस्टा के बारे में कहा जाता है कि मल्टी सेलुलर तो होते हैं लेकिन उनके टिश्यू बड़े लूजली पैक्ड होते हैं, फिर उसके बाद बेटा और एक और बैक्टीरिया ऐसे सब्सटेंस मिलने लगे जो कि यूनिसेलुलर थे और कैसे थे प्रोकैरियोट थे, मतलब प्रोकैरियोट कौन होते हैं, पुरानी वाली सेल होती है, यूकैरियोट हमारी नई वाली सेल होती है। प्रोकैरियोट के अंदर न्यूक्लियस पे क्या होती है, न्यूक्लियस पे मेम्ब्रेन नहीं होती, न्यूक्लियस मेम्ब्रेन नहीं होती, कवर नहीं होता बेटा। तो कोपलैंड कॉम्पलैंड पीकर आए और उन्होंने बेटा मोनेरा दे दिया, लेकिन मोनेरा के अंदर वो यूकैरियोट और प्रोकैरियोट का क्या बोलते हैं डिवीजन नहीं कर पाए, तो उसको करने वाले जो आर एस विटिकर आए उन्होंने मौके पे चौका और चांस पे डांस मारते हुए फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन दी। तो बेटा फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन आता है प्लांट एंड किंगडम और प्रोटिस्टा मोनेरा और एक फंगी, क्या फंगी या फंजाई जो भी आपको कहना है बोल लो, ठीक है। तो बेटा प्रॉब्लम्स क्या थी अर्ली क्लासिफिकेशन के अंदर,
तो बेटा पिछली क्लासिफिकेशन में प्रॉब्लम्स ये थी कि एनिमल के अंदर बेटा वो वाले एनिमल भी रख दिए जाते थे जो मल्टी सेलुलर थे, तो मल्टी सेलुलर यूनिसेलुलर भी आ रहा था, यूकेरियोट भी आ रहा था, प्रोकैरियोट भी आ रहा था, रेड ब्लड वाले भी आ रहे थे, विदाउट रेड ब्लड वाले भी आ रहे थे, मैमल्स भी आ रहे थे और रेप्टाइल्स भी आ रहे थे, बेटा कुछ भी कॉम्बिनेशन ठीक से बन नहीं पा रहा था, खिचड़ भिचड़ हो गई। बिल्कुल 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 ठीक है बेटा। हाँ अगला देखो बेटा, अब बेटा कुछ मेन चीजें पूछे तो हम ये लिख सकते हैं रीजन, क्या लिख सकते हैं पहला रीजन बेटा, फंगी और प्लांट्स को एक साथ रख दिया। बेटा फंगी क्या होती है, हेटरोट्रॉप होती है, सीधी सी बात है, फंजाई क्या होती है, हेटरोट्रॉप होती है, अपना खाना खुद नहीं बना सकते, प्लांट्स अपना खाना खुद बना सकते हैं, उनको एक साथ रख दिया, ये तो बड़ी नाइंसाफी है, बनाने वाले और खाने वाले के कैरेक्टर एक जैसे हो सकते हैं, कभी नहीं हो सकते। अगला क्या है, अगला बेटा ये देखते हैं, फंगी और प्लांट्स को एक साथ फिर से रख दिया। बेटा फंगी और प्लांट्स इसलिए भी एक साथ नहीं रखे जा सकते, हेटरोट्रॉप ऑटोट्रॉप का डिफरेंस तो है ही है बेटा, सेल वॉल का डिफरेंस भी है, प्लांट के अंदर बेटा कठोर ताकतवर सेल्युलोज की सेल वॉल होती है, लेकिन फंगी के अंदर चिटिन मतलब उससे कमजोर चिटिन की होती है, और वो दोनों को ग्रुप किया हुआ था। तो बेटा इसके लिए सॉल्यूशन आए फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन आरएच बिटेकर। आरएच बिटेकर ने बेटा क्या क्या चीजें ली, सेल का स्ट्रक्चर लिया, बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन लिया, मोड ऑफ न्यूट्रिशन लिया, रिप्रोडक्शन और फाइलोजेनिक रिलेशनशिप। फाइलोजेनिक का मतलब होता है अपने एंसेस्टर से वो बेटा किस तरीके का रिलेशनशिप रखते थे, किस तरह से वो बेटा इवॉल्व हुए थे, ठीक है। प्रोकैरियोट यूकैरियोट के बारे में पहले बता चुका हूँ बेटा, प्रोकैरियोट वो होते हैं जो मोनेरा, हाँ ओनली मोनेरा के अंदर आते हैं, और बेटा वो होते हैं जो कि पुरानी सेल होती है, यूनिसेलुलर होते हैं और उनका न्यूक्लियस कवर्ड नहीं होता, उस पर बेटा कोई भी मेम्ब्रेन नहीं होती। हाँ बाकी सब यूकैरियोट है, प्रोटिस्टा भी, फंगी भी, प्लांट भी, एनिमल भी, मल्टीसेलुलर है सारे के सारे, और कैसे है, लूजली पैक हो सकते हैं कुछ बेटा, ऑर्गन सिस्टम दिखाते हैं कुछ बेटा, टिश्यू सिस्टम दिखाते हैं, लेकिन ये सारे के सारे क्या है, यूकैरियोट है। अगला देखो बेटा बैक्टीरिया, बैक्टीरिया सारे मोनेरा किंगडम की बात हो रही, तो मोनेरा किंगडम के बैक्टीरिया आते हैं, बैक्टीरिया का सोल मेंबर कौन है, बैक्टीरिया मोनेरा का सोल मेंबर बैक्टीरिया ही है। सबसे ज्यादा दुनिया में पाए जाने वाले माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी बैक्टीरिया ही है बेटा, इनका मोस्ट एक्सटेंसिव मेटाबॉलिज्म डाइवर्सिटी, मतलब ये हेटरोट्रॉप भी है और बहुत सारे कंडीशन में ऑटोट्रॉप भी होते हैं। अगर ये ऑटोट्रॉप होंगे तो बेटा बहुत कम होंगे, लेकिन हेटरोट्रॉप ये ज्यादा है, और हेटरोट्रॉप भी कैसे हैं ये सारे मेजोरिटी में बेटा, शेप पे डिफरेंस बेटा, कोमा जैसी शेप होगी तो विब्रो बोलेंगे, स्पेरिकल शेप होगी तो कोकस बोलेंगे, रॉड जैसी शेप होगी तो बेसिलस बोलेंगे, और बेटा स्पाइरल शेप होगी तो स्पाइरुलम बोलेंगे। आर्की बैक्टीरिया के बारे में सुन लो, वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, आर्की बैक्टीरिया वो बैक्टीरिया है जो कि बड़े हार्श कंडीशंस के अंदर जिंदा रह सकता है, जहां पर आप सोच भी नहीं सकते वहां ये जिंदा रह सकता है बेटा। अगर आर्की बैक्टीरिया बहुत ज्यादा सोल्टी एरिया में रहता होगा उसको बेटा हेलोफाइल्स बोलेंगे, हेलोफाइल्स का मतलब ये होता है बेटा कैसा, सोल्टी एरिया में रहने वाला, हाँ थर्मो, तो हाँ तो बेटा अगर थर्मोएसिडोफाइल बोलेंगे कब, जब वो बहुत ज्यादा हॉट रहेगा, गर्म पानी में मिलेगा, ठीक। और मिथेन कौन, मिथेनोजन कौन होते हैं, जो कि बेटा मीथेन गैस, मिथेन गैस बनाते हैं, ठीक है, बायोगैस बनाते हैं, मीथेन गैस बायोगैस एक ही चीज होती है बेटा, वो कहां मिलेंगे, घास खाने वाले जानवरों के पेट में, और बनाते कैसे हैं बेटा, गोबर से वो मीथेन गैस बनाते हैं। अगला देखो बेटा, साइनोबैक्टीरिया को हम ब्लू ग्रीन एल्गी भी कहते हैं, किंगडम मोनेरा के अंदर, हां, और ये नाइट्रोजन फिक्सेशन के अंदर काम आता है बेटा, ये बहुत जरूरी याद रखना। इसका एग्जांपल है बेटा, साइनोबैक्टीरिया के मेन एग्जांपल है नोस्टॉक और एनाबिना, नोस्टॉक और एनाबिना, ये बेटा फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं क्योंकि इनके अंदर क्लोरोफिल होता है, यूनिसेलुलर है क्योंकि बेटा सारे मोनेरा यूनिसेलुलर होते हैं, और इनके ऊपर एक बेटा जिलेटिन की शीट होती है, क्या, जिलेटिन की शीट होती है, हाँ, पानी हाँ। के अंदर बेटा एल्गल ब्लूम के अंदर वाटर में ब्लूम बनाते हुए, झाग बनाते हुए बेटा ये दिखाई देते हैं, और बेटा एटमॉस्फेयर की नाइट्रोजन को फिक्सेशन करते हैं ये, और एक इनके अंदर एक स्पेशल ऑर्गन होता है जो कि काम करता है, उसका नाम होता है हेटरोसिस्ट। हेटरो ट्रॉपिक बैक्टीरिया बेटा सबसे ज्यादा पाए जाते हैं, मतलब जो अपना खाना नहीं बना सकते, और फॉर्म क्या होते हैं, डिकम्पोजर, क्या होंगे, डिकम्पोजर मतलब मरे सड़े गले चीजों को जाएंगे और खाकर उन्हें डिकम्पोज कर उन्हें खत्म कर देंगे और धरती में मिला देंगे, इससे बेटा हमारा भी तो फायदा होता है। अगला देखो, ये बेटा बैक्टीरिया कई चीजों में काम आता है, जैसे कि दही बनाने में से लैक्टोबैसिलस एसिडिटी, एंटीबायोटिक्स बनाने में, नाइट्रोजन को फिक्स करने में, इसमें लेगम्स मतलब दाल के पौधों के अंदर, कोमा, सम कॉमन बैक्टीरिया इन डिसीज, कुछ बेटा ऐसे बैक्टीरिया जो कि डिसीज करते हैं जैसे कोलेरा, टाइफाइड, टेटनेस, सिट्रस कैंकर प्लांट, ठीक है बेटा। अगला देखो, रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया, बेटा बैक्टीरिया सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दिखाते हैं लेकिन बहुत कम, हाँ। लेकिन ज्यादातर वो बेटा फीजन करते हैं, मेनली फीजन करते हैं, और हाँ कुछ बेटा स्पोर की फॉर्मेशन करते हैं। बेटा फीजन कब करते हैं, नॉर्मल कंडीशन में फीजन करते हैं, अगर अनफेवरेबल कंडीशन होगी तो स्पोर बनाएंगे, लेकिन बेटा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वो क्या करेंगे, बड़ी ही रेयर कंडीशन के करेंगे, वो भी क्या करेंगे, डीएनए का ट्रांसफर करेंगे। बेटा हमको ये पढ़ना है नेक्स्ट, क्या है, माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा क्या है बेटा, दुनिया की सबसे छोटी लिविंग सेल है, बिना ऑक्सीजन के जिंदा रह सकती है, क्या, बिना ऑक्सीजन के जिंदा रह सकती है, कोई सेल वॉल इसके अंदर नहीं होता, और बेटा ये बीमारी फैलाने का काम करती है, इसका मतलब ये क्या है, पैथोजेनिक है। अगला बेटा किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम प्रोटिस्टा के बारे में तुमको एक बात समझनी है कि यूनिसेलुलर है और यूकैरियोट चालू हो जाता है, प्रोकैरियोट नहीं है पर यूनिसेलुलर है, ठीक है। इसका एग्जांपल है क्राइसोफाइट्स, डाइनोफ्लैजेलेट, यूग्लेनोइड्स, स्लाइम मोल्ड्स और प्रोटोजोआ। बेटा ये देखो,
क्राइसोफाइट्स को बेटा डायटम्स के नाम से याद रखना, और बेटा गोल्डन एल्गी या डेस्मिड्स भी इन्हीं का एग्जांपल है। सेल वॉल बेटा इनकी कैसी होती है, ओवरलैप की, ओवरलैपिंग बना की बनी होती है, तो ये शेल जो होती है बेटा सोप बॉक्स में, मतलब एक ऐसा लगता है साबुनदानी की तरह इसका शेप बन जाता है। फ्लोट पैसिवली पैसिवली इन वाटर, मतलब इसके अपने आप नहीं बहता, जहां करंट चलता है वाटर करंट, मतलब जहां वाटर फ्लो चलता है उसी तरफ ये बह जाता है। मोस्टली फोटोसिंथेटिक है, ज्यादा से ज्यादा फोटोसिंथेसिस करती है, इसलिए बेटा इसको हम क्या बोलते हैं डायटम्स को, इस ओशन का सबसे बड़ा चीफ प्रोड्यूसर बोलते हैं, मतलब ओशन के अंदर सबसे ज्यादा ऑक्सीजन देने वाले और फूड देने वाले, क्योंकि फोटोसिंथेसिस करेंगे तो फूड प्रोड्यूस करने वाले सबसे बड़े चीफ प्रोड्यूसर ओशन के अंदर कौन है, डायटम्स है या क्राइसोफाइट्स है। दूसरा बेटा डाइएटमस अर्थ भी यही बनाते हैं, क्यों, इनकी शेल बेटा सिलिका की बनी होती है, किसकी, सिलिका की। जब ये बेटा डेड होते रहते हैं या ये बेटा सरफेस पे बैठते रहते हैं, धीरे धीरे इनकी जो जिलेटिन की जो शेल है वो बेटा डीकम्पोज होने लगती है, कम्पोज होने लगती है शेल धरती के ऊपर, वो मतलब समुद्र की ओशन की सतह पर जम जाती है, और बेटा उसको क्या बना देती है, सिलिका की एक बड़ी मोटी लेयर बना देती है, जिसको हम डायटमस अर्थ बोलते हैं। ठीक है बेटा, नेक्स्ट देखो डायनो फ्लैजिलेट, डायनो मतलब टू, फ्लैजिला मतलब फ्लैजिला वाले, जिनके अंदर दो फ्लैजिला हो, ये बेटा ये जब बेटा मैराइन होते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं, ठीक है। हाँ बेटा इनका कलर ग्रीन भी हो सकता है, ब्लू भी हो सकता है, रेड भी हो सकता है, क्योंकि इनके अंदर बेटा पिगमेंट पाया जाता है। सेल वॉल जो होती है बेटा सेल्यूलोस की बनी होती है, मतलब काफी पक्की होती है। मूवमेंट के लिए दो फ्लैजिला है, एक बेटा लॉन्गिट्यूडनल और एक हाँ ट्रांसवर्स, ठीक है। रेड टाई ऑफ ये ओशन बेटा ये बहुत जरूरी है, जब बेटा रेड एक लहरें दिखाई देती है, रेड लहरें दिखाई देती हैं, लहर आती है और रेड दिखाई देती है, समझ जाओ बेटा वो डायनोफ्लैजिलेट्स की वजह से होती है। और जो डायनोफ्लैजिलेट ऐसा काम करता है उसका एग्जांपल गायनो क्या है, गोनियोलेक्स, क्या है बेटा, गोनियोलेक्स। और ये बेटा कुछ ऐसे टॉक्सिन भी निकालते हैं जिससे मैराइन जानवर मर जाते हैं, एनिमल मर जाते हैं, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये रेड टाइड ऑफ सी बहुत इंपॉर्टेंट है ना डायनोफ्लैजिलेट। अगला है बेटा यूग्लिनॉइड, या यूग्लिनॉइड का एग्जांपल यूग्लिना, यूग्लिनॉइड से यूग्लिना कितना सन है, ठीक है बेटा। तो ये भी कैसा होता है, ये फ्रेश वाटर में मिलेगा, वो भी कैसे, स्टैग्नेंट वाटर होगा, जो कि पानी ज्यादा चलता ना हो। अगला बात देखो, इसके अंदर भी बेटा क्या होती है, इसके अंदर भी फ्लैजिला मिलेगा, लेकिन एक छोटा और एक लंबा। बेटा इसकी जो कवरिंग होती है वो सबसे पहले बेटा हमने कवरिंग देखी थी इसमें डायटम में, तो किसकी थी, वो बेटा सिलिका की थी, उसके नीचे हमने देखी थी तो किसकी थी, बोले बेटा सेल्यूलोस की थी, लेकिन इसकी सबसे कमजोर होगी, इसकी प्रोटीन की होगी, तो पेलिकल की बोलते हैं, किसकी, पेलिकल की वजह से, पेलिकल की वजह से फ्लेक्सिबल होगा, ठीक है बेटा। ये होता क्या है, हेटरोट्रॉप होता है, अगर सनलाइट ना मिले, सनलाइट मिल जाए तो ये क्या बन जाएगा, ऑटोट्रॉप बन जाएगा। पिगमेंट इसके अंदर क्या होता है, कौन सा होता है, क्लोरोफिल टाइप होता है, मतलब हायर प्लांट्स वाला इसके अंदर क्लोरोफिल होता है, ठीक है। अगला देखो स्लाइम मोल्ड, स्लाइम मोल्ड के बारे में क्या समझना है बेटा, सैप्रोफाइटिक है और पैरासाइट है, सैप्रोफाइट है और पैरासाइट है। स्लाइम मोड पतला लड़का बेटा, ये सबसे ज्यादा खराब बंदा है, हाँ। बिल्कुल अलग चलता है सबसे, सारे के सारे क्या है, ऑटोट्रॉप है किसी की कंडीशन में, लेकिन ये नहीं है, हाँ। और ये हेटरोट्रॉप भी है तो कैसा, बेकार वाला, क्या सैप्रोफाइट है और पैरासाइट है। सुइटेबल कंडीशन के अंदर क्या करता है, प्लाज्मोडियम बनाता है, जैसे प्लाज्मोडियम बनाता है वही बीमारी फैलाने वाला काम। अगला अनसुइटेबल कंडीशन के अंदर स्पोर बनाता है, फेवरेबल कंडीशन में प्लाज्मोडियम बनाता है। स्पोर्स हैव टिश्यू वॉल, मतलब इनके जो स्पोर होते हैं काफी स्ट्रांग होते हैं, सर्वाइव कर जाते हैं और एयर करंट की वजह से बेटा मूव कर पाते हैं, ठीक है। अगली चीज देखो प्रोटोजोआ, क्या लास्ट पढ़ रहे हैं, प्रोटोजोआ। तो प्रोटोजोआ हेटरोट्रॉपिक है और प्रिमिटिव रिलेटेड एनिमल है, एनिमल से सबसे पहले जुड़ा हुआ है, इसका थोड़ा जुड़ाव मानोगे तो प्रोटोजोआ का है। प्रोटोजोआ का सबसे पहले एग्जांपल है एमोइबॉइड या अमीबा। बेटा अमीबा अगर प्रीडेटर, जब प्रीडेशन करता है मतलब किसी का शिकार करके खाता है, किसी जिंदा को खा लेता है, तो अमीबा होता है। और बेटा कोई ऐसा जो पैरासाइट की तरह अपना भोजन ले तो वो एंटामोइबा कहलाता है। फ्लैजिलेटेड का मतलब हुआ जिसके अंदर एक फ्लैजिला है, तो बेटा इसका एग्जांपल है ट्राइपैनोसोमा। और ट्राइपैनोसोमा इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो एक बीमारी भी फैला देता है, जिस बीमारी का नाम होता है स्लीपिंग सिकनेस, जिससे आदमी सोता रहता है। सिलिएटेड का मतलब इसमें बहुत सारा सीलिया हो और वो सीलिया बेटा उसको जल्दी जल्दी मूवमेंट कराने में मदद करता है, ठीक है। हाँ तो बेटा इसका सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है प्रोटोजोआ का, सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है पैरामीशियम, जिसका चित्र आपके बुक में भी है। अगला क्या है, स्पोरेंजिया या स्पोरेंजिया, और बेटा इसका एग्जाम्पल है प्लाज्मोडियम, ठीक है। अब किंगडम फंगी के बारे में पढ़ते हैं। किंगडम फंगी के बारे में एक बात समझ लो कि बेटा ये फिलामेंटस होती है, मल्टी सेल्यूलर होती है, बस इसके टिश्यू लूजली पैक्ड होते हैं, लेकिन यीस्ट इसका एक ऐसा एग्जांपल है जो कि यूनिसेल्यूलर है, ये बेटा इनसे बगावत करके रखता है अटक, और बहुत इंपॉर्टेंट भी है, इसके बड़े सारे काम है। बॉडी बेटा किससे बनी होती है, फिलामेंट्स की बनी होती है। फिलामेंट्स क्या होता है बेटा, धागे जैसे स्ट्रक्चर से बनकर मिलता है, हाँ। बनता है, जिसको हम हाइफी बोलते हैं, और हाइफी का जो नेटवर्क बनता है, जो जाल बनता है, उसको बेटा माइसीलियम बोलते हैं। माइसीलियम बेटा दो भागों में विभाजित है, पहला थोड़ा जूम करके, हाँ एक होता है बेटा सेपरेटेड और एक है नॉन सेपरेटेड, मतलब जिसके अंदर कोई वॉल ना हो, बीच में कोई सेपरेशन ना हो, न्यूक्लियस ऐसी फ्री घूम रहे हो, और एक होता है इसके अंदर बेटा न्यूक्लियस अलग अलग हो और सेपरेशन वॉल दिखाई दे रही हो, तो उसको बोलते हैं बेटा सेप्टेट, और इसको बोलते हैं बेटा एसेप्टेट या सिनोसेटिक
या बेटा उसको क्या बोलते हैं, ब्रांच बोल देते हैं, मतलब सेपरेट भी याद कर लो बेटा। प्लाज्मोगैमी का मतलब होता है जब दो सेल आपस में मिलते हैं, दो मोटाइल नए गैमेट बनाते हैं। कैरियोगैमी का क्या मतलब होता है बेटा, दो न्यूक्लियस का मिलना। डाइकैरियन का मतलब होता है एक सेल के अंदर दो न्यूक्लियस का पाया जाना। और डाइकैरियोफेज का मतलब है जब डाइकैरियन दिखाई दे, मतलब दो न्यूक्लियस आपस में दिखाई दे, तो डाइकैरियोफेज कहलाता है। ठीक है, और बेटा ये कहां दिखाई देता है, एस्कोमाइसिटीज एंड डेसिडियोमाइसिटीज के अंदर ये नजर आता है। अगला देखो बेटा, फंगी के अंदर फाइकोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज और डेटोरामाइसिटीज था। ठीक है, अब इनके अंदर माइसिलियम कैसा है ये याद करना है, इनके अंदर माइसिलियम कैसा है। तो बस बेटा याद रखना, सिर्फ पहले वाले के अंदर, सिर्फ फाइकोमाइसिटीज के अंदर ही एसेप्टेट है, क्या है, एसेप्टेट है या सिनोसिटिक है, मतलब इसके अंदर कोई सेपरेशन नहीं है, बाकी सब में सेपरेशन है बेटा। माइसिलियम के बारे में पढ़ लिया, यहां से अगर क्वेश्चन बनता है तो। अगली चीज देखो बेटा, फाइकोमाइसिटीज के बारे में पढ़ो। फाइकोमाइसिटीज क्या होता है बेटा, हैबिटेट कैसी होगी, डिकेइंग वुड, मतलब कैसी होगी, सड़ी गली लकड़ी के आसपास ये रहेगा, वहां रहेगा जहां पे बेटा डैम्प एरिया होगा, जहां पे धूप वगैरह ज्यादा ना आती हो, जहां पे बेटा उमस और पानी वगैरह रहता हो। ठीक है, तो बेटा इसका एग्जाम्पल सबसे पहले क्या है, राइजोपस। राइजोपस बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यों बेटा, आपकी ब्रेड के ऊपर जो मोल्ड लगती है, ब्रेड मोल्ड एक एग्जाम्पल है। नेक्स्ट है अल्बिगो, क्या अल्बिगो, मस्टर्ड के ऊपर पैरासाइट है, वेरी इंपॉर्टेंट। और अगला है बेटा, लास्ट है बेटा म्यूकर। अगला एस्कोमाइसिटीज, बेटा एस्कोमाइसिटीज की बात करें तो ये सेप्रोफाइट है, क्या है, सेप्रोफाइट पैरासाइट है, डीकम्पोजर है, क्या है, डीकम्पोजर है। कहां पर उगता है, गोबर के ऊपर, डंग के ऊपर बेटा। ज्यादा सारे ये मल्टीसेलुलर है, और मल्टीसेलुलर एस्कोमाइसिटीज का मल्टीसेलुलर एग्जाम्पल है पेनिसिलियम, दवाई के रूप में काम आता है। और रेयरली यूनिसेल्यूलर, यूनिसेल्यूलर बहुत कम है, और आपको पता है वो तो यीस्ट ही है। ठीक है, तो एस्कोमाइसिटीज का एग्जांपल यीस्ट, जो कि यूनिसेल्यूलर पाया जाता है बेटा। इसके अंदर बड़े इंपॉर्टेंट कुछ नाम है, जैसे एस्परगिलस नाइगर, क्लेविसेप्स और न्यूरोस्पोरा। बेटा न्यूरोस्पोरा किस काम आता है, जेनेटिकल कामों में यूज होता है, बायोटेक्नोलॉजी में आगे आपको पता चलेगा। मोल्स एंड बफल्स बेटा खाने के काम आते हैं, ये इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है पर पढ़ना जरूरी है। अगला बैसिडियोमाइसिटीज, बेटा बैसिडियोमाइसिटीज को हम ब्रैकेट फंगस या बेटा पफ बॉल्स भी बोल देते हैं, जो छाते की तरह दिखाई दे, गुब्बारे की तरह दिखाई दे बेटा, बिल्कुल एकदम आराम से याद आ गया होगा, मशरूम का एग्जाम्पल ये बेटा। एसेक्सुअली स्पोर बनाते हैं, ठीक है, एसेक्सुअल स्पोर्स बेटा इसमें एब्सेंट होते हैं, सेक्स ऑर्गन भी इसके अंदर दिखाई नहीं देते। प्लाज्मोगैमी करते हैं, क्या करते हैं, फ्यूजन ऑफ दो डिफरेंट बेटा सेल्स में मिलती है, और दो मोटाइल गैमेट फॉर्म होते हैं। एगेरिकस इसका सबसे मेन एग्जांपल क्या है, एगेरिकस, एगेरिस को बेटा मशरूम बोलते हैं, मशरूम बड़ा मशहूर है। अगला यूस्टिलेगो, स्मट और पक्सिनिया, मतलब रस्ट लगना, पक्सिनिया बहुत इंपॉर्टेंट है, और एगेरिकस तो बेटा सबसे ज्यादा ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल इसके अंदर पाया जाता है। एक्सोजेनस स्पोर का मतलब होता है जो कि बेटा हाँ, कोनिडियोस्पोर कैसे बने, हाँ जो बाहर की तरफ बने, तो कोनिडियोस्पोर और बेसिडियोस्पोर ही बेटा इसका एग्जांपल है। और एंडोजेनस स्पोर का मतलब होता है जो कि अंदर बने, और बाकी सब यही है बेटा। लास्ट में पढ़ते हैं वायरस। वायरस क्या होता है बेटा, वायरस एक ऐसा जीव है जो कि होस्ट के अंदर रहता है, जब जिंदा होता तो जिंदा होता है, और होस्ट के बाहर बेटा वो मरा हुआ होता है। इसके अंदर कोई सेल की ऑर्गेनाइजेशन नहीं होती, ये ऑब्लिगेट पैरासाइट है, मतलब कभी कभी पैरासाइट है और बाकी टाइम पे मरा हुआ है। ठीक है, ये बेटा क्या करता है, किसी भी होस्ट के अंदर जाता है, उसकी मशीनरी को हैक कर लेता है, उसके अंदर बेटा अपना रेप्लिकेशन करता है, अपने आपको बहुत ज्यादा संख्या में बढ़ाता है, और होस्ट के एक दिन वो क्या कर देता है, बहुत ज्यादा बीमार या डेथ भी हो जाता है, जैसे एचआईवी एड्स। वायरस बेटा, वायरस के अंदर न्यूक्लिक एसिड पाया जाता है, तो वो आरएनए भी हो सकता है और डीएनए भी हो सकता है बेटा। इसकी प्रोटीन की एक लेयर होती है जो कि इसकी प्रोटेक्शन करती है, इसे हम कोट बोलते हैं, और कोट बेटा कैप्सिड से मिलकर बना होता है। ये दो तरह की शेप मिल सकती है, तो हेलिकल या पॉलीहेड्रल। पॉलीहेड्रल बेटा आपको बैक्टीरिया फेज के अंदर मिलेगी, जो कि मकड़ी की तरह एक स्ट्रक्चर आपको बुक में दिखाई देता है, और बेटा हेलिकल आपको टोबैको मोज़ेक वायरस के अंदर दिखाई देगा। अगला देखो बेटा, डिमित्री इवानोवस्की ने सबसे पहले वायरस नेम दिया, ठीक है। एम डब्ल्यू बेजर ने सबसे पहले कहा कॉन्टेजियम वीवियम फ्लूडियम, मतलब ऐसा फ्लूड जिसके अंदर लिविंग इन्फेक्शन पाया जाता है। और बेटा डब्ल्यू एम स्टेनली ने सबसे पहले वायरस को क्रिस्टलाइज कर निकाल कर दिखाने की हिम्मत की। प्लांट के अंदर जो वायरस है, जो प्लांट को जो इन्फेक्ट करता है बेटा, उसके अंदर सिंगल स्टैंड का आरएनए होता है, याद रखना। एनिमल को बेटा सिंगल स्टैंड और डबल स्टैंड का आरएनए और डबल स्टैंड का डीएनए काम खराब कर सकता है। और बैक्टीरियोफेज क्या होता है बेटा, बैक्टीरियोफेज डबल स्टैंड डीएनए होता है, और वो क्या है, जो बैक्टीरिया को भी इन्फेक्ट कर दे। तो बेटा वायरस की यार याद रखना, वायरस क्या होगा, इसमें न्यूक्लिक एसिड भी होगा और प्रोटीन भी होगा। और वाइड रॉड क्या होंगे, जिसके अंदर बेटा न्यूक्लिक एसिड होगा पर प्रोटीन का कवर नहीं होगा, खुला घूमेगा। और प्रायोन पी से प्रोटीन, पी से प्रोटीन, तो ओनली प्रोटीन होगा, न्यूक्लिक एसिड नहीं होगा। बेटा वाइड रॉड्स की खोज जिसने की थी, उनका नाम था टीओ डाइनर, डिनर करते हुए उन्होंने इसकी खोज की थी। और बेटा वाइड रॉड्स एक बीमारी पैदा करते हैं, उसको पोटैटो स्पिंडल या ट्यूबर डिसीज बोल देते हैं। अगला प्रायोन्स की बात करें, ओनली प्रोटीन, तो बेटा ये इंसानों में और जानवरों में दोनों में एक बीमारी पैदा करता है बेटा। जिस बीमारी को ये पैदा करता है कैटल्स के अंदर, जानवरों के अंदर, चारा खाने वालों के अंदर, घास खाने वालों के अंदर, उसको क्या बोलते हैं, बीएसई, मतलब बोविन स्पॉन्जीफॉर्म एनसीफेलोपैथी बीमारी है। ये इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है, बस मैंने आपको बता दी ताकि पढ़ो तो एकदम से ऑप्शन में देखे तो टिक मार देना। सी आर जेकब ने बोला, अपने नाम ही रख दिया, सी आर जेकब बीमारी हो जाती है इंसानों के अंदर। बट इसी के साथ ये चैप्टर खत्म होता है।
क्विक रिवीजन करने वाले हम चैप्टर वन की जो पहले पढ़ चुके हैं। यहाँ पर सबसे पहले नाम आता है अर्नेस्ट मेयर का, जो कि 100 साल जिए। इनका मेन कंट्रीब्यूशन क्या था, इन्होंने स्पीसीज की डेफिनेशन दी। स्पीसीज क्या होती है भाई, ऐसे इंडिविजुअल जो आपस में अगर मीट करे, क्रॉस करे, तो आगे जो उनके बच्चे हों, ऑफस्प्रिंग हो, वो भी आगे फर्टाइल हों। क्या होगा अगर दो ऐसे लोग अलग अलग स्पीसीज के जानवर या एनिमल्स या ऑर्गेनिज्म आपस में मीट करे तो क्या होगा, तो एक इस तरह का ऑफस्प्रिंग पैदा होगा जो फर्टाइल नहीं होगा। एग्जाम्पल क्या है, मेल डोंकी और फीमेल हॉर्स। मेल डोंकी को जैक बोलते हैं, हाँ, तो बेटा निकलता है म्यूल। म्यूल बेटा आगे जो खच्चर होता है वो आगे रिप्रोडक्शन नहीं कर सकता। फिर बेटा आगे आता है बायोडायवर्सिटी। बायोडायवर्सिटी का मतलब क्या है कि बेटा जीवों में विविधता, जीवों में विविधता मतलब बहुत सारे तरीके के हमारे पास जानवर, जीव, जंतु, ऑर्गेनिज्म, प्लांट, पौधे, ये सारी चीजें, स्पीसीज अलग अलग है। कितनी हमको माना जाता है, 1.7 से 1.8 मिलियन डिफरेंट स्पीसीज है, और 700 से 800 करोड़ तो सिर्फ इंसान है, जो कि बेटा हर सेकंड बढ़ रहे हैं। जैसे जैसे एरिया बढ़ता है वैसे वैसे स्पीसीज बढ़ती रहती है। बेटा स्पीसीज इतनी सारी है, उनको आइडेंटिफाई करने के लिए तुमको तुम्हारे क्लास का टीचर रोल नंबर देता है। इसी तरीके से बेटा कैरोलस लिनियस नाम के साइंटिस्ट ने इन स्पीसीज को नॉमनक्लेचर में बांट दिया, मतलब एक नाम दिया। क्या दिया? नाम दिया। और वो नाम यूनिक हो तो उसने एक ऐसी लैंग्वेज चुनी जो लैंग्वेज में कभी बदलाव ना आए, तो उन्होंने एक डेड लैंग्वेज चुनी जिसे बोलने वाले लोग अब बचे ही नहीं है, तो वो कौन थे? लैटिन भाषा का इस्तेमाल किया। लैटिन इज अ डेड लैंग्वेज। बायनोमियल नॉमनक्लेचर का मतलब है बेटा जिसके अंदर दो नामों को एक साथ जोड़कर लिखा जा सके। पहला नाम होता है बेटा कौन सा, जीनस, और दूसरा होता है स्पेसिफिक। इसे लिखने का यह तरीका होता है कि बेटा दोनों को अलग अलग लिखते हैं, स्पेसिफिक नेम को, जीनस नेम को अलग अलग लिखते हैं, दोनों के बीच में गैप होता है, और बेटा जीनस का नेम हमेशा कैपिटल लेटर्स में लिखा जाता है। जैसे ये क्या है, मैंगी फेरा इंडिका, जैसे मतलब ये क्या है, मैंगो का एक नेम है, बायोलॉजिकल नेम है, नॉमनक्लेचर के द्वारा दिया गया, कैरोलस लिनियस ने दिया था। तो बेटा जिसने दिया था मैंगी फेरा इंडिका, तो जीनस इसकी मैंगी फेरा और बेटा स्पीसीज की इंडिका है। तो बेटा मैंगी फेरा का एम कैपिटल है, बाकी सब स्मॉल, और बीच में क्या है बेटा, गैप है, याद रखना इस बात को। और दोनों को अंडरलाइन किया जाता है, जो भी लैटिन भाषा में लिखा हुआ है अंडरलाइन किया जाएगा। ये जो नाम देने वाले लोग होते हैं ये कई बार अपना नाम भी पीछे लिख देते हैं, तो हम यहाँ के लिख देंगे लिन LNN, लेकिन इसको अंडरलाइन नहीं करेंगे। क्यों बेटा? क्योंकि चेंज हो सकता है, या उसको बोलने का तरीका चेंज हो सकता है। क्यों? क्योंकि वो लैंग्वेज बेटा इंग्लिश है, या तुम हिंदी में करोगे तो हिंदी होगी, जो कि चेंज हो सकती है, क्योंकि बोलने वाले लोग जिंदा है। अगला बेटा, जिंदा लोग, जिंदा ऑर्गेनिज्म जो होते हैं उनकी पहचान क्या होती है? तो बेटा इनकी दो तरह की पहचान होती है, एक तो डिफाइनिंग फीचर, एक नॉन डिफाइनिंग फीचर। डिफाइनिंग फीचर का मतलब होता है जिसके अंदर पक्का पता चल जाए कि हाँ भाई ये जिंदा है या नहीं। तो बेटा नॉन डिफाइनिंग फीचर क्या है, जैसे ग्रोथ है। अब तुम बोलोगे भाई जिंदा लोग ही तो ग्रोथ दिखाते हैं, ऑर्गेनिज्म छोटा पैदा होता है, धीरे धीरे बड़ा होता चला जाता है, तो बेटा नॉन लिविंग भी दिखाते हैं, जैसे कि माउंट एवरेस्ट। हाँ, क्योंकि माउंट एवरेस्ट भी तो धीरे धीरे हर साल बढ़ रहा है, कूड़े का ढेर भी लगाते हो तो लगता चला जाता है, बड़ा होता चला जाता है। रिप्रोडक्शन मतलब संख्या का बढ़ना। बेटा एक पत्थर के अगर गिर के टुकड़े हो जाए तो 1 से 10 हो जाएगा, तो रिप्रोडक्शन हो गया उसका। रिप्रोडक्शन का सीधा सा मतलब है संख्या बढ़ना। क्या? संख्या बढ़ना, तो संख्या तो उसकी बढ़ गई। अगला है रेस्पिरेशन, सांस लेना। तो बेटा कोई चीज अगर फूलती है और बंद होती है, फूलती है और बंद होती है, सांस लेते हैं ना, जैसे हमारी छाती फूलती है बंद होती है, तो इसका क्या मतलब है कि वहां पर रिप्रोडक्शन हो रहा है, सॉरी रिप्रोडक्शन बोलो, रेस्पिरेशन हो रहा है? नहीं बेटा, क्योंकि जिस चीज से जो ब्लैकस्मिथ होता है ना, वो बेटा अपने आयरन को, आयरन के लिए आग जलाता है, तो बेटा वो क्या करता है, या जिससे हम ट्यूब भरते हैं, तो साइकिल की ट्यूब भी तो फूल जाती है और बेटा बंद हो जाती है, तो बेटा इसका क्या मतलब, वो जिंदा है? नहीं। तो बेटा डिफाइनिंग फीचर क्या है? मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म मतलब खाने को खाना, उससे पचना, उससे एनर्जी का निकलना। अगला, सेल ऑर्गेनाइजेशन, कि सेल से बना हुआ स्ट्रक्चर होना चाहिए, लेकिन सब में सबसे इंपॉर्टेंट है क्या, क्योंकि बेटा सेल से बनाई हुई चीजें नॉन लिविंग भी हो सकती हैं। मेटाबॉलिज्म को लैब में भी परफॉर्म किया जा सकता है, लेकिन कॉन्शियसनेस मतलब जब हम किसी को हाथ लगाते हो तो उस पर रिएक्ट करता है, या वो बेटा सर्दी महसूस कर सकता है, गर्मी महसूस कर सकता है, सुख महसूस कर सकता है, दुख महसूस कर सकता है, वो कॉन्शियस है चीजों को लेकर। तो बेटा ये चीज सिर्फ जिंदा लोगों के अंदर या जिंदा ऑर्गेनिज्म के अंदर ही देखने को मिल सकती है। तो मेन डिफाइनिंग फीचर क्या है लिविंग बींग का? कॉन्शियसनेस। नेक्स्ट क्या है भाई? टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी का मतलब क्या है भैया? नॉमनक्लेचर ऐसी थोड़ी ना दी रहता है। हाँ भाई, टैक्सोनॉमी का मतलब इन पूरे को पहचानना पड़ता है। क्या पहचानना पड़ता है? तब जाके हम इसको एक नाम देते हैं और क्लासिफाई करते हैं। तो पहचानने का तरीका क्या है? सबसे पहले करते हैं कैरेक्टराइजेशन, फिर करते हैं आइडेंटिफिकेशन, फिर करते हैं क्लासिफिकेशन, एंड में होता है नॉमनक्लेचर। इसका मतलब पहले बेटा उसके हम कैरेक्टर देखते हैं, दो पैर है कि चार पैर है, खाता कैसे है, हाँ मतलब खाता कैसे है, खाने से मतलब है कि ऑटोट्रॉप है कि हेटरोट्रॉप है, सैप्रोफाइट है या होलोजोइक है, ना मल्टी सेलुलर है कि सिंगल सेलुलर है, रिप्रोडक्शन कैसे करता है, ये सेक्सुअल करता है कि या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है। फिर जब हम उसको ये सब देख लेते हैं तो फिर उसे हम पहचानते हैं। अच्छा, तो उसको इस हिसाब से हमने पहचान लिया कि यहाँ पर रखा जा सकता है, तो क्लासीफाई, फिर उसमें हम क्लासीफाई कर देते हैं, मतलब उसको हम उसकी पहचान करने के बाद, कैरेक्टर देखने के बाद रख देते हैं एक कैटेगरी के अंदर, जो हम आगे पढ़ने वाले क्या कैटेगरी होती है। अगर बेटा वो इस कैटेगरी में कहीं फिट नहीं बैठता, इसका मतलब वो नई चीज है, तो बेटा उसको हम नॉमनक्लेचर के थ्रू नया नाम
दे देते हैं। ठीक है, अगली चीज मॉडर्न टैक्सोनॉमी के अंदर बेटा एक नई चीज और ऐड हो गई है, क्या एक्सटर्नल फीचर भी देखते हैं, इंटरनल फीचर भी देखते हैं, और बेटा सेल का स्ट्रक्चर भी देखते हैं, और साथ में डेवलपमेंटल और इकोलॉजी भी देखते हैं। इसका मतलब वो किस तरीके से अपनी इकोलॉजी से जुड़ा हुआ है। सिस्टमैटिक्स का मतलब है कि बेटा इस टैक्सोनॉमी का जो सिस्टम है, अब क्या उसमें एक चीज और जुड़ गई है, टैक्सोनॉमी तो करते ही करते हैं लेकिन साथ में हम फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप भी देखते हैं। इसका मतलब क्या है, फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप का मतलब है कि वो अपने एंसेस्टर से किस तरीके से जुड़ा हुआ है, एनालॉगस है कि होमोलॉगस है, ये बेटा आगे पढ़ेंगे। मतलब कि तुम अपने पेरेंट्स से किस तरीके से जुड़े हो, इवोल्यूशन कैसे हुआ था तुम्हारा, हम भी तो पहले बंदर थे ना, तुम बंदर से कैसे जुड़े हुए हैं, हमारा जो बेटा ब्लड ग्रुप होता है आर एच, क्या होता है पॉजिटिव या नेगेटिव, तो ये आर एच क्या है, आर एच बेटा रेसस मंकी, जिस बंदर को बोला जाता है कि हम जिसके पूर्वज हैं जो कि अफ्रीका में पाया जाता है उसकी सेल के अंदर पाया जाता है आर एच फैक्टर, तो बेटा जिसके अंदर वो आर एच फैक्टर पाया जाता है मानते हैं कि वो इस बंदर का डायरेक्ट क्या है, एंसेस्टर है। समझ में आ गया बेटा, अगली चीज देखो। तो बेटा जो क्लासिफिकेशन है ना यहाँ पे, ये इतना इजी नहीं होता, क्यों बेटा, क्लासिफिकेशन हम सारी चीजें पहचानते हैं, कैरेक्टर पहचानने के बाद उसको क्लासिफाई करते हैं, तो क्लासिफिकेशन कोई नॉर्मल सा एक रैक नहीं है कि उठाया और डाल दिया, नहीं बेटा क्लासिफिकेशन के अंदर भी हमें बहुत चीजें देखनी पड़ती हैं। क्या देखना पड़ता है, इधर आ जाओ, तो बेटा इनको बोलते हैं टैक्सा या टैक्सोन, टैक्सा या टैक्सोन मतलब टैक्सोनॉमी की छोटी यूनिट, यूनिट ऑफ टैक्सोनॉमी, तो उसको बोलते हैं बेटा किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज। नए नए बच्चे बोलेंगे अरे भैया ये तो याद भी नहीं होने का क्या है, और हाँ और बेटा इसको याद भी ऑर्डर में करना है, वेरी गुड। तो बेटा इसका इसकी वो है शॉर्टकट, कीप योर पॉट्स क्लीन अदरवाइज फैमिली गेट्स सिक, या तो बर्तन साफ रखो नहीं तो भैया तुम्हारी फैमिली बीमार हो जाएगी। की से किंगडम, योर पॉट से फाइलम, ठीक है फाइलम यूज होता है बेटा एनिमल्स में, और डिविजन यूज होता है प्लांट्स में। क्लास से क्या है, क्लीन, अदरवाइज से ऑर्डर, फैमिली से फैमिली, गैट से जीनस, सिक्स से स्पीसीज। ऐसे बेटा याद करना है, और याद रखना जब हम ऊपर से नीचे आते हैं तो कॉमन कैरेक्टर बढ़ते हैं, मतलब स्पीसीज में कॉमन कैरेक्टर ज्यादा होते हैं, और ऊपर जाते जाते बेटा जीनस में थोड़े कम, फैमिली में और कम, ऑर्डर में और कम, फाइलम में और कम, किंगडम में बेटा बिल्कुल भी कैरेक्टर मैच नहीं करते, किंगडम में तो बिल्कुल ही अलग अलग होता है। अगली चीज बेटा लास्ट, टैक्सोनॉमिकल एड्स, बेटा ये क्या है, टैक्सोनॉमी करने के बाद उसका हम करते क्या है, उसे छोड़ देते हैं क्या, अब बेटा उसको हम कलेक्ट कर रखते हैं उस डेटा को। तो सबसे पहला है हर्बेरियम, हर्बेरियम क्या है बेटा, जिसके अंदर हर्ब मतलब छोटे पेड़, ठीक है, हर्बीवोरस क्या होते हैं, जो छोटे पेड़ खाते हैं, आपने देखा है क्या वो, कि वो जो हिरण है वो पेड़ पर चढ़ के पेड़ को ऊपर से खा रहा है, वो बेटा नीचे खांसी तो खाता है, तो घासों को क्या बोलते हैं, हर्ब बोलते हैं। उससे थोड़े से बड़े जो पौधे होते हैं जैसे कि अमरूद का पेड़ है उसे क्या बोलते हैं, शरब बोलते हैं, और बिल्कुल ऊंचे को तो बेटा ट्री बोलते हैं। ठीक है अगला देखो, वैसे हम आगे प्लांट किंगडम में ये सारी चीजें पढ़ेंगे, लेकिन मैंने तुमको बता दिया कि हर्बेरियम में हर्ब नाम कहां से आया, तो बेटा हर्ब से सीधी बात है प्लांट ही आएगा इसके अंदर, और कुछ नहीं, तो बेटा इसके अंदर हम क्या करते हैं, किसी जगह पर जाते हैं, वहां का प्लांट बेटा लेते हैं, हर्ब लेते हैं, छोटा हर्ब लेते हैं, उसको बेटा एक शीट लेते हैं जिलेटिन की या प्लास्टिक की शीट लेते हैं, ऐसे तुम्हारी फाइल नहीं होती, उसके अंदर बेटा उसको गर्म करके, प्रेस करके, हीट करके, ड्राई करके उसके अंदर डाल देते हैं, उसकी पेड़ जड़, उसका कोई फल या उसकी पत्तियां, ठीक। और बेटा उस शीट में, मान लो ये शीट है हमारी हर्बेरियम, उसमें हमारा पेड़ हमने ले लिया, ये बेटा उसके पत्ते हो गए, उसकी जड़ हो गई, उसका फ्रूट हो गया, अब यहाँ पर एक चिट लगाते हैं, जिसे जिसने उसको कलेक्ट किया उसका नेम, ठीक है, फिर उसने कहाँ से कलेक्ट किया, उसका एरिया कौन सी डेट थी वो, और बेटा ये देखते हैं कि उसका लोकल नेम क्या था, फिर उसका साइंटिफिक नेम क्या था, और उसके मेडिकल यूजेस क्या थे या उसके इकोनॉमिकल यूजेस क्या थे। इस तरह की सात चीजें वहां पर मेंशन होती है, कितनी, सात चीजें मेंशन होती है, तो सात तुम बना लोगे, वैसे क्वेश्चन इतना डीप नहीं पूछा जाता। अगला बोटेनिकल गार्डन क्या है भाई, बोटेनिकल गार्डन का मतलब है एक्स सीटू कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स, मतलब एक्स सीटू का मतलब बेटा एक्स का मतलब होता है जो कभी था लेकिन अब नहीं है, जैसे एक्स हस्बैंड, एक्स गर्लफ्रेंड, एक्स बॉयफ्रेंड, इसका मतलब थे लेकिन अब नहीं है। सिचुएटेड, सीटू का मतलब सिचुएटेड, मतलब जहां पर वो थे वहां अब नहीं रहे, मतलब हम अपनी एक जगह एरिया लेते हैं, उस एरिया के अंदर उन प्लांट्स को लेकर आते हैं जो कि हमारे यहाँ पर नहीं है या वो हमारे देश में कहीं खतरे में है, खत्म होने वाले हैं, तो बेटा उनको कहीं से लाकर एक जगह पर रख देते हैं, और बेटा उस जगह को क्या करते हैं, कंजर्व कर देते हैं, उसको हम एक्सीटू प्लांट्स, एक्सीटू कंजर्वेशन ऑफ या बोटेनिकल गार्डन कहते हैं। अब जूलॉजिकल पार्क क्या है बेटा, जूलॉजिकल पार्क में एनिमल को एक्सीटू कंजर्व किया जाता है, मतलब बाहर से जानवर लाकर, जैसे दिल्ली के अंदर आप अफ्रीका का शेर देख लो, अब अफ्रीका का शेर देखने के लिए अफ्रीका जाने की जरूरत नहीं है, है ना, क्योंकि अभी मोदी जी लेकर आए थे, ठीक है बेटा, इस तरह के जानवर देखने के लिए पूरे देश भर के जानवर आपको एक जगह पर दिख रहे हैं, तो उसका क्या मतलब है, वो एक्स सीटू मतलब अपनी सिचुएशन को छोड़कर एक नए स्थान पर उनको रखा गया है, और वहां पर बेटा एनिमल्स को प्रिजर्व किया जाता है, और यहाँ पर जिंदा, यहाँ भी जिंदा है हर्बेरियम में लेकिन डेड होते हैं। म्यूजियम क्या है, जहां पर बेटा प्लांट्स और एनिमल दोनों रखे जाते हैं लेकिन वो डेड होते हैं, डेड स्पेसिमेंस होते हैं, जैसे साइंस म्यूजियम गए होगे आप दिल्ली में, आपने देखा होगा की क्या होता है बेटा, की होता है किसी को सिमिलरिटीज और डिसिमिलरिटीज पे पहचानना, सिमिलरिटीज और डिसिमिलरिटीज में पहचानना, बेटा इस की का एक हिस्सा है कपलेट और एक है लेड, एक है कपलेट
और एक है लेड, या लेड बोलो या लीड बोलो। द कपलेट का मतलब होता है इसमें दो कैरेक्टर लिए जाए और लीड के अंदर सिंगल कैरेक्टर लिया जाता है। फ्लोरा क्या है भाई, फ्लोरा का मतलब होता है एक बुक, एक अकाउंट जिसके अंदर किसी भी एरिया के किसी पर्टिकुलर टाइम पे फ्लोरा मतलब सारे प्लांट्स या वहाँ के फूल ये सब की जानकारी लिखी जाए फोना के अंदर। यही बेटा एनिमल किसी पर्टिकुलर एरिया किसी पर्टिकुलर टाइम पे। अगला मैनुअल बेटा, जिसके अंदर प्लांट और एनिमल दोनों की जानकारी हो किसी एरिया की। अगला बेटा मोनोग्राफ, मोनोग्राफ के अंदर हम बस किसी एक टैक्सोन के बारे में लिखते हैं, जैसे कि कोई बोले कि भैया मुझे सिर्फ एक स्पीसीज, खाली एक स्पीसीज के बारे में बताओ, या खाली जीनस के बारे में बताओ, या खाली एक फैमिली के बारे में बताओ, इस इलाके में कौन कौन सी फैमिलीज मिलती है, तो बेटा उसको मोनोग्राफ बोलते हैं। और कैटलॉग क्या होता है भाई, कैटलॉग का मतलब होता है इस डेटा को अल्फाबेटिकली अरेंज करना, ए बी सी डी के हिसाब से अरेंज कर देना। ठीक है बेटा, इसके साथ चैप्टर खत्म।